हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई बिलीव आपने अभी तक की सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी और जो होमवर्क था आपका, आपने वो भी कर लिया होगा। वैसे मैंने पीजीवीपी हेड में आपको बहुत ज्यादा अभी तक कोई होमवर्क नहीं दिया है, केवल एक सेक्शन या मैं कह सकता हूँ कुछ पार्ट मैंने आपको केवल रीडिंग के लिए दिया था। तो मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि आपने वो रीडिंग कर ली होगी और अपनी तरफ से आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम ऑलमोस्ट 9 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं इनकम अंडर हेड पीजीवीपी पे। आज की ये क्लास क्लास नंबर 10 इनकम अंडर हेड पीजीवीपी में, जो कि एक्सपेक्टेड है कि लास्ट क्लास होगी, बट अगर मुझे जरूरत लगेगी या कहीं भी ऐसा नेसेसरी होगा तो मैं इसकी क्लास नंबर 11 भी लेके आऊंगा। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे आज की ही क्लास में कंप्लीट कर दूं, लेकिन अगर फिर भी कहीं जरूरत हुई तो मैं इसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं करूंगा या जबरदस्ती कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे अगर कहीं पर भी ऐसा फील होगा कि अब ये ओवर हो रहा है तो उस केस में आई विल इंट्रोड्यूस द क्लास नंबर 11 ऑफ अ पीजीबीपी। आज की इस क्लास की एक खास बात आपको बता दूं, आज की इस क्लास में हम कोई डिसअलाउंसेस की बात नहीं करेंगे, हम कोई एक्सपेंस की बात नहीं करेंगे। अभी तक की क्लासेस में आपने देखा हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी सेक्शन 28 से लेके हम सेक्शन 29 तक पहुंचे, फिर 30, 31, इन सभी सेक्शंस में हमने एक एक करके हर बात को वो समझा जो बात करती थी किसी इनकम की, जो बात करती थी किसी एक्सपेंस की, कि कौन सा खर्चा आपका अलाउ होगा, कौन सा खर्चा आपका डिसअलाउ होगा, किस तरह के खर्चे की हम आपको डिडक्शन दे देंगे, किस तरह के खर्चे की हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, ऐसा ही हमने समझा। फिर हम सेक्शन 40, 41, 42 पर भी आए। 42 शायद मैंने आपको नहीं कराया है, वो आपके कोर्स में एप्लीकेबल नहीं है। फिर हमने 43 में भी सारे सेक्शन तो नहीं, बट हाँ जो सेक्शन आपके एप्लीकेबल है मैंने उसके बारे में आपसे बात करी। इसके बाद अब हमारे पास लास्ट सेक्शन है पीजीवीपी हेड में, क्योंकि मैंने आपको बताया था पीजीवीपी हेड में जो आपके सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं वो सेक्शन नंबर 28 से लेके सेक्शन, मैं यहां लिख देता हूं, सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 तक एप्लीकेबल हैं। अब ये जो सेक्शन नंबर 28 से लेके 43 तक के जो सेक्शन थे, ये बात करते थे किसी ना किसी एक्सपेंस की और किसी ना किसी इनकम की। मतलब कोई एक्सपेंस डिसअलाउ होगा, कोई एक्सपेंस अलाउ होगा, क्या कंडीशन होगी कि अलाउ कर देंगे, क्या कंडीशन होगी कि डिसअलाउ कर देंगे, इनकम को इनकम कम मानेंगे, कौन से केसेस में ये अमाउंट, ये आइटम आपकी इनकम बनेगी, कौन से केसेस में ये आइटम आपकी इनकम नहीं बनेगी। तो यही बातें की ना हमने। हमने यहां पर क्या समझा, हमने यहाँ पर सर सिंपल इतनी सी बात समझी कि ये खर्चे और इनकम जो आइटम्स आपको दी होंगी या इसके अलावा जो छोटी छोटी बातें हैं डिसअलाउंसेस और अलाउंसेस की हमने मोटे मोटे तौर पर बातें की थी। अब ये जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 44 द लास्ट सेक्शन ऑफ इनकम अंडर हेड पीजीवीपी, ये किसी खर्चे की बात नहीं कहेगा। इवन ये भी नहीं बोलेगा कि आप इसे इनकम मानेंगे, ये भी नहीं बोलेगा कि आप इसे खर्चा मानेंगे। ये खर्चे और इनकम के परे, दूर परे, बहुत दूर जाके ही कुछ और बातें कहेगा। ये क्या बातें कहेगा मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि हमारी जर्नी थोड़ी और आसान हो जाए, मैं उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाऊं जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। तो ये सेक्शन बात करेगा तीन बातों पर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहली बात, दूसरा ये बात करेगा ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, और तीसरी जो ये बात करेगा वो बोलेगा प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तीनों ही आपको डिटेल में समझाऊंगा। आज की पूरी क्लास इन्हीं चीजों के डिस्कशन में, डिटेल्ड में और एनालिसिस में ही जाएगी। व्हाई दिस इज सो नेसेसरी, ये सेक्शन क्यों बनाया, इसकी भी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाऊंगा। जब सेक्शन बना दिया तो सेक्शन में क्या कंडीशन डाली वो भी मैं बताऊंगा। फाइनेंस एक्ट 20 में अमेंडमेंट आई, मेजर अमेंडमेंट आई,
जो कि आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा ही पूछेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एमसीक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बन के आएंगे वो भी मैं आपके साथ बताऊं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा कि यहाँ पर आपसे एग्जामिनर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा, आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा। और स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो ये जो तीन सेक्शन है ये भी अपने आप में बहुत प्रैक्टिकल होंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर, धीरे धीरे फिर मैं आपको लेके चलूंगा ऑडिट पर, फिर मैं उसके बाद लेके आऊंगा आपको अपने मेन प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन सिस्टम पर। ओवरऑल हम यहां पर पांच सेक्शन पढ़ेंगे। ओवरऑल वी विल डिस्कस ओनली फाइव सेक्शन। सेक्शन नंबर 44 डबल ए, सेक्शन नंबर 44 ए बी, सेक्शन नंबर 44 ए डी, सेक्शन नंबर 44 ए डी ए और सेक्शन ए ई। मैंने आपको पूरे इनकम टैक्स की जर्नी में ऑलमोस्ट 38 क्लासेस या 39 क्लासेस आई बिलीव, जहां तक मेरा एस्टिमेशन है, इतनी क्लासेस आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप ये पीजीबीपी की क्लास नंबर 10 देख रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप 37-38 क्लासेस ऑलरेडी मेरी अटेंड कर चुके हैं। आपको याद होगा मैंने कभी भी पूरे इनकम टैक्स को पढ़ाते समय आपको ये नहीं बोला कि आप सेक्शन याद करिएगा। मैंने कभी भी कहीं भी आपको ये नहीं बोला कि आप इन सेक्शंस को याद करिएगा। सेक्शंस को याद करने का मतलब सेक्शन नंबर को याद करिएगा, मैंने ऐसा नहीं बोला था। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं ये पांच सेक्शन हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा, मतलब इनके जो नंबर है ना ये याद रखिएगा। आज के बाद जब भी आप इन पांच सेक्शन से रेलिवेंट कोई भी प्रोविजन एग्जामिनर को बोलेंगे, आप एग्जामिनर को कहेंगे देखो ये आंसर है, तो आप वहां पे सेक्शन का भी रेफरेंस देंगे। सर बाकी जगह आपने जहां नहीं बोला है क्या वहां पर रेफरेंस नहीं देना? देना है। अगर आप याद रख सकते हैं, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं सेक्शन का नंबर, तो आप उसका रेफरेंस जरूर दीजिए। नहीं देंगे तो नंबर कटेगा नहीं, बट गलत देंगे तो कट जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि कहीं पर भी याद मत रखना, याद आ जाए तो दे देना वरना छोड़ देना। बट मैं यहां आपको फिर कह रहा हूं ये पांच सेक्शन के नंबर आपको याद रखने हैं, ये पांच सेक्शन के आपको नंबर याद रखने हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एग्जामिनर जब आपसे एमसीक्यू पूछेगा ना, वो सेक्शन का नाम देकर पूछेगा, सेक्शन का नंबर देके पूछेगा। और अगर आपको सेक्शन का नंबर याद नहीं होगा तो आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप तुक्का लगा दें, हो सकता है आपको चीज को देख के रिकॉल हो जाए कि ये कौन से सेक्शन की बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। बट स्टिल मैं फिर कह रहा हूं यहां पर आपको ये पांच नंबर 101% याद करने हैं। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं स्टूडेंट्स, प्लीज नोट माय वर्ड, एग्जाम आपका मई में है, मई के बाद जिस दिन आपका टेक्स्ट का पेपर हो, अगर आप बोध ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा ग्रुप देने के बाद आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा। और जो नई एक अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2020 में, वहां पर एक एमसीक्यू और वहां पर एक सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सेक्शंस, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले, आज की ये क्लास बाकी क्लासेस जैसी नहीं होगी, जहां पर मैं एक सेक्शन उठाऊंगा और आपको उसका एनालिसिस करवाऊंगा, एनालिसिस करवा के फिर मैं बोलूंगा लाओ ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। नहीं, आज की इस क्लास में हम एक सेक्शन उठाएंगे, सेक्शन को आधा पढ़ेंगे छोड़ देंगे, फिर हम दूसरे सेक्शन को उठाएंगे आधा पढ़ेंगे छोड़ देंगे, फिर मैं आपको तीसरे सेक्शन पर लाऊंगा, जब तीसरे सेक्शन में एक प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, एक सिनेरियो क्रिएट करूंगा, एक सिचुएशन डालूंगा, फिर वहां पर उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा मैं लॉ से, और मैं तब आपको वापस लेके आऊंगा अपने उस पुराने छूटे हुए सेक्शन पर, जहां पर मैंने आपको बोला होगा कि आधा सेक्शन अभी कर लेते हैं और आधे सेक्शन को बाद में करेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा, जब मैं आपको सेक्शन 44 ए बी कराऊंगा तो उसकी पूरी पूरी लिंकिंग ए डी के साथ होगी, पूरी पूरी लिंकिंग ए डी ए के साथ होगी और पूरी पूरी लिंकिंग ए ई के साथ होगी। तो इट विल नॉट बी अ सिंपल क्लास, इट विल बी अ
ट्विस्टिंग क्लास, मैं आपको ऐसे ऐसे सिनेरियोस दे दे के कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा जो एग्जामिनर आपको कर सकता है। जब एग्जामिनर आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा तो वो यहां पर आपको उसी तरह से कंफ्यूज करेगा जिस तरह से मैं आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा, एट द एंड हम कॉन्सेप्ट पर जीत लेंगे, कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे और फिर एग्जामिनर को ये चैलेंज कर देंगे, अब आपको जो पूछना है इन सेक्शंस पे आप हमसे पूछ लो, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पूरा सेक्शन पढ़ के आए हैं और अच्छे से समझ के आए हैं, कितनी भी डिटेल में कोई बातें करनी है आप हमसे कर लो। क्लियर? आइएगा सबसे पहले एक छोटी सी बात को समझते हैं, उसके बाद फिर हम अपने सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे। बात क्या है, मान लीजिए एक एसएससी है, वो अपनी इनकम कमाता है, आपने इनकम को कितने हेड्स में डिवाइड किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स मुझे बताइएगा जरा। सर इनकम या तो सैलरी में चली जाएगी, अगर सैलरी में नहीं गई तो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी, अगर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है तो या तो वो कैपिटल गेन में आ जाएगी, अगर कैपिटल गेन में नहीं है तो वो पीजीवीपी में जाएगी, और पीजीवीपी नहीं तो अदर सोर्स। इसका मतलब आपके पास कितने घर हैं इनकम के, पांच घर हैं। आपके पास कितने घर हैं, पांच घर हैं। आप इनकम को कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं सर, पांच हाउसेस में ले जा सकते हैं। पांच घर कौन से, सैलरी होगी, पीजीवीपी होगी, कैपिटल गेन होगा, हाउस प्रॉपर्टी होगी या अदर सोर्स होगा। मुझे बताइएगा, जब आप सैलरी में कोई इनकम कमाते हैं तो क्या आप अपने कोई हिसाब किताब के लिए बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इस तरह की कोई किताबें मेंटेन करते हैं, नहीं करते। बताइए आप में से कितने लोग हैं जिनके फैमिली में सैलरी वाले लोग रहते हैं, मतलब जो जॉब करते हैं, क्या उन्हें कभी देखा है जॉब करते हुए वो ये कहते हैं कि इस साल की मेरी बैलेंस शीट ये है और इस साल का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है, क्या ऐसा कहते हैं वो, नहीं कहते। क्यों नहीं कहते सर, क्योंकि सैलरी में तो सीधा सीधा आपको पता चल जाता है कि आपकी इनकम कितनी है। कैसे पता चलता है सर, जितनी आपकी हर महीने सैलरी आई और जितने आपने उसमें डिडक्शंस ले लिए, अलाउंसेस के बेनिफिट ले लिए, उसके बाद जितने आप उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी 50,000 की, फिर 80C वाली डिडक्शंस दे दी, और इस तरह से हमें पता चल गया कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। तो सैलरी वाले को कहीं पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने होते। क्यों नहीं बनाने होते, क्योंकि लॉ बोलता है नहीं बनाने, यह जरूरत नहीं होती सर, जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर आप मकान किराए पर देते हैं, आपका काम है मकान किराए पर देना, या आपने कोई मकान किराए पर दिया है, भले आपका काम नहीं है बट आपने दिया है, तो उस केस में क्या आप ये कहते हैं कि मैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद फिर मैं अपनी इनकम बताऊंगा, आप ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि सर उस केस में भी मेरे को जरूरी नहीं होता कि मैं बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ही अपनी इनकम बताऊं, आपको इनकम बिना उसके बनाए भी पता चल जाती है। इसके बाद आता है हमारा इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। बताइए इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन में कोई आप बुक्स बनाते हैं, आप पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, क्या मैंने कहीं आपको ऐसा बोला कि अगर आप कैपिटल गेन से इनकम कमाएंगे तो आपको बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा? द आंसर इज नो। आप इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन में भी जब काम करते हैं तो वहां पर भी आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज सच नहीं बनानी होती। फिर इसके बाद बात करते हैं अदर सोर्सेस की। तो अदर सोर्सेस ऑल्दो अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, वहां पर भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की। बट ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना पीजीवीपी, यहां पर दो बातें हैं। एक पहली बात तो ये कि प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं तो आप अपनी इनकम कैसे बताएंगे कि आपकी क्या इनकम है, क्योंकि यहां ऐसा तो है नहीं कि जो आपने सेल करी है या जो आपने अपने प्रोफेशनल कस्टमर से क्लाइंट से पैसा लिया है वो सब आपकी इनकम बन जाएगी। यहां तो क्या होता है, हम आपको कुछ खर्चे भी अलाउ करते हैं। क्या होता है यहां पर, हम आपको खर्चे भी अलाउ करते हैं।
जब हम खर्चे अलाउ करते हैं तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप पैसा लेंगे या जो भी आप सेल करेंगे वो पूरा का पूरा आपकी इनकम नहीं है, उसमें से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपका खर्चा भी होगा। तो जो आपका बचा हुआ प्रॉफिट होगा, बचा हुआ प्रॉफिट होगा जिसको मैं कहता हूं नेट प्रॉफिट होगा, वो हमारे काम का प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट के बेस पर हम आगे की बातें करते हैं। तो ये जब प्रॉफिट की बात आती है तो ये प्रॉफिट बताइए कैसे निकलता होगा? ऑब्वियसली सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर निकलता होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ आप 11th क्लास से पढ़ते आए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब पूरी होती है? जब आप उसके अंदर बैलेंस शीट भी जोड़ देते हैं। ऑल्दो कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो भी होता है, बट मेरा यहाँ पर कैश फ्लो से कोई काम नहीं है, मेरा यहाँ कोई यूज नहीं है, तो मैं यहाँ पर केवल बात कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की। दूसरा एस्पेक्ट देखिए, जब एक पर्सन बिजनेस करता है और बिजनेस करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाकर बोलता है कि ये मैंने इनकम कमाई, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगा, हाउ दे विल केम टू नो कि जो आप उसको इनकम देने गए हैं, दिखाने गए हैं, या जो आप ऑफर कर रहे हैं एज ए इनकम अंडर हेड टीजीबीपी, वो कैसे कंप्यूट हुई है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट, आपने कैसे कैलकुलेट करी कि आपकी क्या इनकम आती है। तो जब ये कैसे कैलकुलेट करने वाला जब सवाल सामने खड़ा होता है ना, तो आप कहते हैं कि सर देखो मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं जिसमें मैंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग करी है ट्रांजैक्शंस की, कि मैंने इस दिन इतने इतने की सेल करी है, मैंने इस दिन इतने इतने खर्चे करे हैं, मैंने इस दिन इस को पेमेंट दी है, मैंने इस दिन इससे पैसा लिया है, और इन जब सभी ट्रांजैक्शंस को, पूरे साल के ट्रांजैक्शंस को मैं रिकॉर्ड कर देता हूं, मैं अकाउंटिंग कर देता हूं, मैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देता हूं, मैं उसके लेजर्स बना देता हूं, मैं जर्नल एंट्रीज पास करता हूं, मैं लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बना देता हूं, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट्स बना देता हूं, जो कि आप अभी तक पढ़ के आए हैं, जिसमें आप क्या बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आप यहां पर ये कहते हैं असेसिंग ऑफिसर मेरी बात सुनो, मैं जो यहां पर प्रॉफिट बोल रहा हूं कि मैंने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, देयर इज अ बेसिस ऑफ दैट, और ये बेसिस क्या होगा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी। असेसिंग ऑफिसर आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, ज्यादा गहराई में मत जाओ, सिंपल एक सवाल पूछो अपने आप से। असेसिंग ऑफिसर कह रहा है सर आप ये जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मुझे बता रहे हो, आपने कैसे कंप्यूट किया, आपको कैसे पता चला 10 लाख रुपए की इनकम हुई है आपकी, मुझे तो बस इतना बता दो, मैं इसके आगे पीछे का कोई सवाल आपसे अभी नहीं पूछ रहा, जरूरत होगी तो मैं पूछ लूंगा, मुझे तो फिलहाल बस आप एक बात का जवाब दे जाओ। कौन कह रहा है? असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट का एक बंदा है जो आपका केस देख रहा है या आपकी आईटीआर चेक कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है सर मुझे बस एक बात का जवाब देते जाओ, आपने ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कैसे निकाला? आप क्या बोलेंगे उसे? मैंने एक एक्सेल शीट मेंटेन की हुई थी, एक्सेल शीट में मैंने देखा मेरी टोटल सेल्स कितनी है और मैंने देखा मेरी परचेज कितनी है, जो दोनों का डिफरेंस आया वो मैंने आपको बता दिया। इज इट? द आंसर इज नो। आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मैंने सेल करी थी 20 लाख की, परचेज करी थी 15 लाख की, तो 5 लाख का मेरा प्रॉफिट है। अरे इस 5 लाख के प्रॉफिट के बाद और भी तो आपके खर्चे थे, और भी तो आपने कुछ खर्चे किए थे, डेप्रिसिएशन का था, सैलरी का था, रेंट का था, और बाकी 10 आइटम थी। तो यहां पर केवल ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी, एक्सेल शीट में मैंने बोला था सेल इतनी परचेज इतनी और बच गया मेरा प्रॉफिट। नहीं, यहां पर आपकी जो इनकम आप दिखा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू नो द बेसिस ऑफ दैट इनकम। वो आपसे बेस समझना चाहता है, हाउ
हैव यू कैलकुलेटेड दैट अमाउंट, आपने कैसे ये अमाउंट की कैलकुलेशन करी है? और जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है ना कैलकुलेशन कैसे करी है, तो आपके पास केवल एक ही रास्ता होता है, आप कहते हैं सर ये देखो, ये मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए थे, ये मैंने अपने खाते बनाए थे, ये मैंने अपना बही खाता बनाया था। मैं जब कह रहा हूं खाते बनाए थे तो खाते का मतलब अकाउंट्स वाले खाते हैं, जब मैं कहता हूं बही खाते तो बही खाते भी अकाउंट्स ही होते हैं, हिंदी में उसको बही खाता कहते हैं। तो असेसिंग ऑफिसर के सामने आप बोलेंगे सर ये जो मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ना, ये मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे किया है, ये देखो ये मेरा बैलेंस शीट है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, ये मेरे लेजर हो गए, ये मेरी कैश बुक हो गई, ये मेरा बैंक बुक हो गया, बैंक पासबुक हो गया, ये मेरी जर्नल एंट्रीज हो गई, और ये बाकी परचेज रजिस्टर हो गया, ये मेरा सेल रजिस्टर हो गया, और ये अदर कोई अगर बुक्स आपको बोली गई है कि आपको बनानी है या बनानी पड़ सकती है तो वो हो गया। तो ये पकड़ो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे पढ़ लेना, इसे समझ लेना, समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कैसे निकाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब कंक्लूड कर देता हूं अभी तक की बात को। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस और प्रोफेशन, देन एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो योर प्रॉफिट और लॉस। और जब आप कहते हैं कि आपने प्रॉफिट कमाया है इतना, या जब आप कहते हैं आपने लॉस कमाया है इतना, तो ये कितना और इतना, इसको जानने के लिए आपको एक बेसिस चाहिए होता है, और वो बेसिस क्या है? ओनली दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाट इज दी बेसिस? ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब आप एक बंदे को कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक नया पॉइंट दूंगा यहां से जिसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा मैं। आप यहाँ एक बंदे को कह रहे हैं भाई साहब क्या करते हो, वो कह रहा है जी मैं ना बिजनेस या प्रोफेशन करता हूँ, मतलब या तो मैं बिजनेस करता हूँ या मैं प्रोफेशन करता हूँ या मैं चलो दोनों ही करता हूँ। तो आप उसे क्या कह रहे हो? बिजनेस करते हो तो फिर क्या करना, अपनी किताबें बना लेना। किताबों में क्या बनाना, अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के साथ, याद करिए, 5 मिनट, 2 मिनट ही नहीं हुए होंगे। आपने किताबों में क्या क्या बनाना है? आपने किताबों में सर जनरल एंट्रीज बनानी है, डेबिट और क्रेडिट जनरल एंट्री। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो यहां तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या बनाना है सर? कैश बुक बनानी है, बैंक बुक बनानी है, आपको लेजर्स बनाने हैं, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है जो कि आपको दिखाना नहीं है केवल बनाना है, और फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और फिर लास्ट में आपको बनानी है बैलेंस शीट। जब आप ये सारे बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये आपने बना ली है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सिंपल सी बात सुनिएगा स्टूडेंट्स, एक बैलेंस शीट को और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए जो जो चीज जरूरी है वो सब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। एक बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो सब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। बताइए सेल रजिस्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों सर? सेल रजिस्टर ही नहीं होगा तो आप सेल कैसे पता लगाओगे? जब सेल नहीं पता चलेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत कैसे करोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर परचेज रजिस्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या नहीं है? बिल्कुल है। परचेज रजिस्टर के बिना आप परचेज कैसे ढूंढोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे कि मैंने क्या परचेज करी? मैं ये नहीं कह रहा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनेंगे, कैसे बनाना आपकी मर्जी है, आपके पास ऑप्शन है, आप किसी सॉफ्टवेयर में अपनी बुक्स बनाइए, आप एक्सेल में अपनी बुक्स बनाइए, मतलब आप एक्सेल को इतना अच्छा बना लो, इतना अच्छे से उसे प्रोग्राम कर लो कि आप अपनी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज लेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप एक्सेल में बना सकते हैं। नो वन विल आस्क यू कि आपने ये एक्सेल में क्यों बनाई है, अलाउड नहीं है, नथिंग लाइक दैट।
यू कैन यूज सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज एक्सेल, यू कैन यूज योर ओन टूल. आप अपना कोई टूल बना लो, अपना सॉफ्टवेयर खुद बना लो अकाउंटिंग का, नो वन विल चैलेंज यू. और मजे की बात, आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना चाहते, आप पुराने जमाने में जाना चाहते हो, तो पुराने जमाने में किताबें होती थी, बही खाते होते थे, इस तरह से किताबें अलग अलग आती थी. ये कैश बुक हो गई, ये बैंक बुक हो गई, ये परचेज रजिस्टर रहा, ये सेल रजिस्टर रहा. तो आप वहां पर हाथ से लिख के बुक किताबें बना लो, नो वन विल चैलेंज यू. कोई बोलने नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे थे, क्या किया आपने. आप सिंपल हाथ से अपनी किताबें बनाओ, लॉ आपको कहीं पर भी ये बात नहीं बोलेगा कि आपने ये बुक्स कैसे बनाई है. बट लॉ की रिक्वायरमेंट इतनी है कि बुक्स बननी चाहिए इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस और प्रोफेशन. लॉ की रिक्वायरमेंट कितनी है, इतनी सी है कि आपकी किताबें बननी चाहिए अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या क्या होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मैंने आपको बता दिया. अभी बुक पर भी देख लेंगे कि बुक में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं. एक और छोटी सी बात समझिएगा सर, क्या अगर मैं बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा हूं, क्या अगर मैं बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा हूं तो मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है? द आंसर इज यस, बनानी है. लेकिन क्या हर किसी को बनानी है? द आंसर इज नो, हर किसी को नहीं बनानी. आज बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे बिजनेस हैं, बहुत ही छोटे बिजनेसेस हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कोरिलेट कर पाएंगे. आपकी गली में एक छोटा सा कोई किराने वाला बैठा हुआ है, जनरल स्टोर है, ग्रोसरी शॉप है, बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा. आप इमेजिन कर सकते हैं मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं. जब आप उससे कोई 5 रुपए का बिस्किट या 10 रुपए का बिस्किट खरीदते हैं, जब आप उससे कोई 10-15 रुपए का सामान खरीदते हैं, जब आप उससे कोई टॉफी चॉकलेट खरीदते हैं, क्या वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता होगा? डू यू थिंक कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता होगा? आंसर इज नो, वो नहीं बनाता. लेकिन सर अभी तो आपने बताया कि हर वो पर्सन जो बिजनेस करेगा, हर वो पर्सन जो प्रोफेशन करेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा. हाँ मैंने बताया, बिल्कुल बताया. लेकिन मैं कुछ एक्सेप्शन भी बताऊंगा. एक्सेप्शन में मैं ये बताऊंगा कि किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी है, कौन ऐसे बिजनेस हैं, कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा. तो ऐसा नहीं है, कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस और प्रोफेशन बनाएगा. देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. लॉ ने यह भी बोला कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे प्रोफेशनल्स हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, हम उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डालेंगे. देखिए ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का मतलब आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और अकाउंटिंग की नॉलेज हर किसी को नहीं होती. अकाउंटिंग की नॉलेज किसे होगी? जिसने अकाउंटेंसी पढ़ा होगा. तो अकाउंटिंग की नॉलेज किसे होगी? जिसने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ा होगा. और आप जानते हैं हमारे देश में हर कोई तो अकाउंटेंसी नहीं पढ़ता. कुछ लोग बीए करते हैं, कुछ लोग आर्ट साइड से 11th 12th करते हैं, कुछ लोग साइंस साइड से करते हैं. हर कोई तो बीकॉम में नहीं जाता, हर कोई तो कॉमर्स नहीं लेता. तो बताइए, जो लोग कॉमर्स नहीं लेते, जो लोग साइंस में काम करते हैं, जो लोग आर्ट से काम करते हैं, अगर वो बिजनेस करने लग जाएंगे तो क्या वो खुद अकाउंटिंग कर पाएंगे? जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, अनलेस एंड अंटिल कि वो अकाउंटिंग सीख ना ले. तो अब ऐसे में उन्हें अगर अपनी अकाउंटिंग करवानी होगी तो किससे करवाएंगे? अकाउंटेंट से करवाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएंगे, या किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो अकाउंटिंग करना जानता होगा. तो यहां पर लॉ ने सिंपल बोला कि अगर आप अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको अकाउंटेंट की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि आप खुद तो कर नहीं सकते अगर आप अकाउंटिंग नहीं जानते. तो क्योंकि यहां पर बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है उन छोटे लोगों के लिए जो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं. जब भी मैं बोलूं ना छोटा बिजनेस, आपके माइंड में वो ग्रोसरी शॉप आ जानी चाहिए जो आपके लोकेलिटी में, कॉलोनी में है,
एक छोटी सी दुकान है, दिन भर में कितने का सामान बेच देता होगा? लगभग लगभग मैं कह सकता हूं 400 या 500 रुपए का सामान दिन भर में बेचता होगा। आप दिन में जाते हैं 10 15 20 रुपए का उससे सामान ले आते हैं, आपके जैसे 10 लोग और चले जाते हैं तो दिन भर में कितने का सामान बेच देता होगा वो? सर दिन भर में मुश्किल से 500 रुपए का सामान बेचता होगा, चलो 1000 रुपए का बेच देता होगा। तो इस तरह से जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे से बिजनेस का छोटा बिजनेस कर रहे हैं या छोटे प्रोफेशनल्स हैं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी है। मैं आपको दिखाऊंगा लॉ में क्या लिखा हुआ है, लॉ किस तरह से यहां पर ड्राफ्ट किया गया है, वहां पर पूरी अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे कि किसे बुक्स बनानी है और किसे बुक्स नहीं बनानी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और बहुत छोटी सी बात समझिएगा ताकि मैं अपने लॉ को एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू में कंप्लीट करके फिर आपको बुक पर ले जाऊं कि बुक में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। आप जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं ना, आपने कहा सर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना तो ली, अब ये इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को करना क्या है, मुझे करना क्या है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का? ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको काम आएंगी किसमें? जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वहां पर हम आपसे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेंगे। हम आपसे बोलेंगे आप अपनी बैलेंस शीट हमें बना के दो, और हम आपसे क्या मांगेंगे? आपका प्रॉफिट एंड लॉस मांगेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको क्यों बनानी है? दो रीजन हो गए अभी तक। सर पहला रीजन तो ये कि जब मैं अपनी आईटीआर फाइल करूंगा ना, जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, और उस इनकम टैक्स रिटर्न को मैं फाइल कर रहा हूं क्योंकि मैं बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम ला रहा हूं, ईजीबीपी से इनकम ला रहा हूं, तो वहां पर आपको ये अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अटैच करके देना होगा। अटैच करके देने का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म इस तरह से बनाए गए हैं, आपके लेवल पर नहीं है, सीए फाइनल में भी ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप आर्टिकलशिप पर जाएंगे, आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, अपनी इंटर्नशिप जिसको हम आर्टिकलशिप कहते हैं, वहां पर आप समझेंगे कि ये इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म क्या होता है। तो वहां जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, किसी क्लाइंट की भरेंगे या किसी भी व्यक्ति की आप इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे इफ समवन इज डूइंग अ बिजनेस और प्रोफेशन, तो वहां पर उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होंगे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने से के बाद ही उसकी बैलेंस शीट बनेगी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के बाद ही उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और ये दोनों की दोनों चीजें अटैच हो जाएंगी आपकी आईटीआर के साथ जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। क्यों अटैच करेंगे सर? क्योंकि सरकार ये देखना चाहती है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया और ये कैसे कैलकुलेट किया, आपने कितना प्रॉफिट कमाया और ये कैसे कैलकुलेट किया। सर ये इसके लिए भी जरूरी है, आप समझो मैंने आपको बहुत सारे सेक्शन कराए थे, ये वाला खर्चा ये वाला खर्चा ये वाला खर्चा ये वाला खर्चा, ये अलाउ होगा ये डिसअलाउ होगा, ये अलाउ होगा अगर ये कंडीशन पूरी होगी, ये डिसअलाउ कर देंगे अगर ऐसा हो गया तो हमने हर सेक्शन पढ़ा ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके केस को कंप्लीट कर पाए, वो चेकिंग कर पाए। चेकिंग किस बात की? कि जो आप इनकम हमें ऑफर कर रहे हैं फॉर द टैक्स, वेदर इट इज करेक्टेड और नॉट, तो ये चेकिंग करने के लिए उसे क्या चाहिए? क्या वो आपको बुला के पूछेगा? मेरे को ईमानदारी से गीता पे हाथ रख के कसम खा के बता दो, जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, ऐसा होगा? नहीं सर, वो आप ही की इंफॉर्मेशन को मांग कर आप ही की इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, और चेक करके डिसाइड करेगा कि जो आपकी इनकम आपने डिक्लेयर की थी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स वो सही है या गलत है। और वो ये कहां से डिसाइड करेगा? आपके बैलेंस शीट से, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसका मतलब वो क्या मांगेगा आपसे? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेगा। वो सिंपल सिंपल क्या बोलेगा आपको? जाओ अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आओ, वो बही खाते लेके आओ जिससे मुझे ये पता चल पाए कि आपने पूरे साल में कितना पैसा कमाया है और आपको क्या लॉस हुआ है। तो मैं यहां पर बता रहा था आपको कि जब वो पी एंड एल अकाउंट देखेगा, तो पी एंड एल अकाउंट में मान लो एक खर्चा है, आपने खर्चा 20,000 रुपए का लिखा, तो वो आपसे पूछेगा कैसे दी थी पेमेंट इसकी?
आप समझो मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 9 क्लास पीजीवीपी पे यूं ही नहीं लगाई हैं, वहां पर एक-एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने डिटेल में समझाया है, और इसलिए समझाया है कि मैं क्लास 10 जो मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं वो मैं आसान बना पाऊं। क्लास 10 अगर मैं चाहूं तो आधे घंटे में 1 घंटे में ओवरव्यू दे के खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं आज की क्लास को सबसे ज्यादा लंबी क्लास बना रहा हूं। रीजन मेरा ये नहीं है कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएं, केवल ये रीजन नहीं है, मेरा रीजन है कि आप जब आर्टिकलशिप लेने जाएं कहीं अच्छी फॉर्म में, बिग फोर्स में, मीडियोकर फॉर्म्स में या बिग 20s में, तो वहां जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप चुटकियों में उसका आंसर दे पाए, आपको लॉजिक पता हो, वहां केवल आप रट्टू तोते की तरह से ना जाएं कि हाँ मैंने ये सेक्शन पढ़ा था मुझे ये पता है, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। आई नो आप अभी लिंकिंग के लेवल के लिए बहुत छोटे हैं, अभी वो मैच्योरिटी नहीं आई है कि आप लिंकिंग कर पाए, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जिस हिसाब से मैंने आपको लेवल ऑफ डिस्कशन दिया है उसके बाद आप ये लिंकिंग कर पाएंगे। अब सुनिए बात को, आपने यहां पर एक खर्चा लिखा है 20,000 रुपये, एओ आपसे पूछेगा बताइए 20,000 रुपये कैसे दिए थे आपने, बताइए पेमेंट कैसे दी थी। आप बोलेंगे सर 12,000 रुपये मैंने कैश दिया था, 8,000 रुपये मैंने उसको बैंक में ट्रांसफर किया था। बताइए जैसे ही ये बात वो आपसे पूछेगा वो कौन सा सेक्शन हिट कर देगा, पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 अदर देन स्पेसिफाइड मोड। आपने कैश में दे दी 12,000 रुपये, ये मैं क्या कर दूंगा, डिस अलाउ कर दूंगा। तो ये मैं क्या कर दूंगा, डिस अलाउ कर दूंगा। क्यों वो ऐसा बोल रहा है, कैसे बोल पा रहा है वो ऐसा, वो ऐसा बोल पा रहा है क्योंकि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, क्योंकि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, और जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि आपने 20,000 की पेमेंट कैसे दी थी। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं बनाएंगे हाउ वी विल केम टू नो कि आपने 20,000 रुपए की पेमेंट कैसे दी थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो क्यों है जरूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सर क्या इसलिए जरूरी है कि आपका प्रॉफिट पता चल पाए? आंसर इज नो। प्रॉफिट पता चल पाए ये तो एक रिक्वायरमेंट है, मतलब ये तो एक छोटा सा हिस्सा है उसका। व्हाई द बुक्स आर रिक्वायर्ड, कि हमें प्रॉफिट पता चल पाए ये तो एक छोटा सा उसका हिस्सा है। देयर आर सो मैनी थिंग्स, डिपार्टमेंट के लिए आसानी है, डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कर पाता है, डिपार्टमेंट उन सेक्शंस को इन्वोक कर पाता है जो आपके ऊपर लग सकते हैं बिकॉज ऑफ द वायलेशन जो जो उन सेक्शंस में दी गई हैं। डिपार्टमेंट इनके बेसिस पर बहुत सारी बातें कर पाता है आपसे, और वो केवल तभी कर पाता है जब आप कहते हैं कि हाँ मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है। अगर आप स्ट्रेट अवे बोल देंगे गवर्नमेंट को, आप बोलेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरा ये लो 10 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट है लेकिन मैंने बुक्स नहीं बनाई, अब बताओ डिपार्टमेंट क्या करेगा? क्या डिपार्टमेंट आपसे ये कहेगा ठीक है आपने नहीं बनाई कोई बात नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाओ हम आपका केस असेस कर देंगे। अरे भाई डिपार्टमेंट को भी तो केस असेस करने के लिए क्या चाहिए, बेसिस चाहिए। बेसिस क्या है? ओनली दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं बिफोर समराइजिंग द कॉन्सेप्ट, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स केवल हम आसानी के लिए बनाते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिएगा भले ही, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है बनाना या केवल हम आसान करने अपनी लाइफ आसान करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। दो ऑप्शन है, वेदर इट इज ए इंपॉर्टेंट और वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट जस्ट टू ईज आर लाइफ। मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में ताकि मैं समझ पाऊं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक कहाँ पहुंची है। क्लियर है हम यहां तक? कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, इसके बाद फिर मैं आपको बुक पर लेके चलूंगा। एक छोटी सी बात और बताता हूं, एक चीज और समझिएगा स्टूडेंट्स यहां पे, अगर मैं आपको ये बोलूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप बनाना चाहें तो बनाइए, नहीं मन हो तो मत बनाइए, बताइए कोई असेसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना चाहेगा क्या उस केस में?
यहां पर दो अलग अलग व्यूज आ सकते हैं। एक व्यू आप क्या देंगे, मैं दोनों व्यूज पे बात करूंगा। एक व्यू आप ये बोलेंगे कि सर कोई भी असस्सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना चाहेगा। क्यों नहीं बनाना चाहेगा? क्योंकि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए उसे एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। चलिए अकाउंटेंट नहीं रखेंगे तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलेंगे कि आप हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना देना, मंथली, पीरियोडिकली, क्वार्टरली, या पूरे एक बार में बना देना पूरे साल का। तो अल्टीमेटली देयर इज सम कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ खर्चा भी करना पड़ता है, फ्री में नहीं बन जाती बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप मान लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, आपको अकाउंटिंग नहीं आती, अब आप बिजनेस करने आ गए, और जब आप बिजनेस करने आएंगे तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप खुद बना पाएंगे? क्या आप ये कह पाएंगे क्योंकि मुझे अकाउंटिंग आती है मैं खुद बना लूंगा? अरे भाई आपके पास टाइम भी तो नहीं है। आप ऑपरेशंस देखेंगे, अकाउंटिंग देखेंगे, आप ऑपरेशंस संभालेंगे, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है ये संभालेंगे, या आप दिन भर में बस ये लिखते रहेंगे 2 रुपए का पेन खरीदा, 4 रुपए का पेन बेच दिया, 10 रुपए का माल खरीदा, 20 रुपए का माल बेच दिया, 10 रुपए उसको दे दिए, 5 रुपए उससे ले लिए, क्या आप ये काम करते रहेंगे? अगर आप ये काम करेंगे तो फिर आप बिजनेस कब करेंगे? तो पॉइंट इज दैट अगर आप अकाउंटिंग जानते भी हैं तब भी आप कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा हर कोई करता ही है, अगर आप अकाउंटिंग जानते भी हैं तब भी आप कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग आप किसी को आउटसोर्स कर दें, या आप अपने यहाँ कोई अकाउंटेंट रख लें जो आपकी अकाउंटिंग प्रॉपरली मैनेज कर दे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली बना दे। तो पहला व्यू तो सर ये आता है कि कोई भी असेसी नहीं चाहेगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए क्योंकि वहां पर कॉस्ट एसोसिएटेड है। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो आप खुद भी ये नहीं जान पाएंगे कि आपका क्या प्रॉफिट आ रहा है, आप बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं या नहीं, आप ये भी नहीं जान पाएंगे। हाँ आप ऐसे जान सकते हैं कि भाई मैंने 10 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, आज अगर मैं मेरे बैंक में देखूं तो मेरे बैंक में 100 रुपए पड़े हैं, और अगर मैं बाजार की लाइबिलिटीज की भी बात करूं तो मुझे 40 रुपए बाहर देने हैं। तो अगर मैं 100 रुपए के बैंक में से 40 रुपए बाहर किसी को दे भी देता हूं तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? 60 रुपए। 10 रुपए से शुरुआत की थी, 60 रुपए मेरे बैंक में है, तो इसका मतलब 50 रुपए मैंने इंक्रीमेंट ही लिया है, 50 रुपए का मैंने एप्रिसिएशन ही लिया है, ये मेरा प्रॉफिट ही तो है। तो मोटे मोटे तौर पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे, बट एग्जैक्टली आप क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं ये आप भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा व्यू क्या आता है, तो ये मैं पहले व्यू को समराइज कर देता हूं। पहले व्यू में आपने बोला सर कोई भी नहीं चाहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना क्योंकि वहां पर कॉस्ट है। लेकिन आज की डेट में बहुत कम लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने, तो बहुत कम लोग हैं, रेयरली ऐसे लोग होंगे। आप अपने आप को ही देखिए, इमेजिन करिए, मेरे इस सेक्शन को पढ़ाने से पहले आप इमेजिन करिए वो सिचुएशन, अगर कभी आप फ्यूचर में बिजनेस करते तो क्या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पसंद करते या नहीं करते? प्लीज सोच के देखिएगा और फिर मुझे आंसर दीजिएगा इस बात का कि अगर आप बिजनेस करते तो क्या आप फ्यूचर में कभी भी जब आप बिजनेस का प्लान करते या कोई प्रोफेशन करते तो क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पसंद करते या नहीं करते? तो ये वाला व्यू मैंने कंक्लूड कर दिया। इस व्यू में क्या हमने बोला कि एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनाए अगर उसमें कोई कॉस्ट एसोसिएटेड उसे लगती है। एक दूसरा व्यू ये भी हो सकता है कि सर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बना लूं लेकिन मैं डिपार्टमेंट को ना दिखाऊं, मतलब ये केवल मैं अपने इंटरनल पर्पस से बनाऊं ताकि मुझे पता चलता रहे मैंने क्या कमाया है, और मैं किसी और को ना दिखाऊं ताकि दूसरा ना जान पाए कि मैंने क्या इनकम कमाई है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं मैं इंटरनली अपने लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लूं, मैं अपने आप में ये जान लूं कि मैंने क्या इनकम कमाई है, मेरा क्या लॉस है, लेकिन कोई दूसरा ना जान पाए। वैन आई से कोई दूसरा ना जान पाए, इसका क्या मतलब है कि मेरा पड़ोसी भी ना जान पाए, मेरे रिश्तेदार भी ना जान पाए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ना जान पाए। तो ऐसे अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में आ गए जहां पर मैंने बोला कि मर्जी है आपकी, बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ, तो क्या कोई
कभी भी सरकार को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के देगा? वो कहेगा सरकार मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, ये लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कभी भी नहीं देगा। जब आप चीजों को ऑप्शनल कर देते हैं ना, तो लोग बचते हैं उनसे। लोग कहते हैं कि हम क्यों झंझट में पढ़े, पढ़ भी जाएंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे लेकिन दिखाने के लिए नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर लॉ भी बनाया गया, साथ ही साथ सेक्शन 44AA डाला गया जो कि बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कंपलसरी मेंटेनेंस की। सेक्शन 44A कहता है कि सुनो भाई साहब, आप बिजनेस करते हो? आपने कहा हाँ। फिर बोला सुनो भाई साहब, आप प्रोफेशन करते हो? आपने बोला हाँ। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सेक्शन 44AA लेके आए हैं और सेक्शन 44AA ये कहेगा कि अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप प्रोफेशन करते हैं, तो अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने जरूरी हो जाएंगे। सभी को नहीं, छोटे लोगों को छोड़ देंगे। क्लियर? अब आइएगा मेरे साथ बुक पे। आई होप आपको ये अभी तक की बातें बोर नहीं लगी होंगी। आई अंडरस्टैंड मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है इस छोटी सी बात पे, लेकिन कुछ रीजन है इस पर टाइम लगाने का, कुछ रीजन है। मैंने यूं ही इस पर टाइम नहीं लगाया, मैं कहीं मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, मैं आपको कहीं एक पॉइंट देना चाहता हूं, उस पॉइंट के लिए मैंने यहां पर 40-45 मिनट लगाए हैं। सो देयर इज सम रीजन। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि सर इतना क्यों बोर कर रहे हो आप, पिछले 45 मिनट से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर डिस्कशन कर रहे हो, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो 10 मिनट में समझ आने वाली चीज है। लेकिन ट्रस्ट मी स्टूडेंट, देयर इज सम रीजन। कोई रीजन है तभी मैं यहां पर इतना टाइम लगा रहा हूं, अदरवाइज मैं इतना टाइम यहां पर नहीं लगाता। आइएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर। सबसे पहला सेक्शन आपके सामने है जो पूरी भूमिका बैकग्राउंड मैंने आपको स्टोरी फॉर्म में बताई, अब इसी को एक बार यहां पर रीड करेंगे। एक छोटी सी बात और मैं आपको बोलूंगा, यहां पर वापस आ जाइएगा। आपके जो बिजनेस है इसे अलग ट्रीट किया जाता है और प्रोफेशन को अलग ट्रीट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो बिजनेस है ना, बिजनेस तो बिजनेस ही है। प्रोफेशन में दो प्रोफेशन आते हैं, एक आते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन, मतलब जिन्हें सरकार बोलेगी कि ये वाले प्रोफेशन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, जिसे सरकार ने स्पेसिफाई कर रखा है कहां पर, इनकम टैक्स एक्ट में। और दूसरे आते हैं नॉन स्पेसिफाइड। क्लियर? एक दूसरी बात और समझिएगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो सेक्शन है इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर अलग एप्लीकेबिलिटी है और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर अलग एप्लीकेबिलिटी है। तो अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं तो आपके ऊपर अलग तरह से लॉ बनाएंगे, अगर आप अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हैं तो आपके लिए लॉ अलग तरह से बनेगा। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं तो आपके लिए किताबें अलग हैं, अगर आप नॉन स्पेसिफाइड हैं तो आपकी किताबें अलग हैं, अगर आप बिजनेस हैं तो आपकी किताबें अलग हैं। तो इस बैकग्राउंड को आप माइंड में रख के सेक्शन को पढ़िएगा। सेक्शन में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है जो मेरे को आपको बताना हो, सारी बातें मैं आपके साथ यहां कर चुका हूं। आइएगा। सो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। आपको अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में क्या होती है, बुक्स होती है ना, तो यहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। देखिएगा एप्लीकेबिलिटी, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन शैल मेंटेन सच प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हाईलाइट करिएगा वो वर्ड प्रिस्क्राइब्ड। तो जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे बुक्स। आप ये नहीं बोलेंगे मैंने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, एक मैंने हिस्ट्री की बुक बना दी, एक मैंने अकाउंट की बुक बना दी, एक मैंने इंग्लिश की बुक बना दी। नो, हम बताएंगे आपको कौन सी बुक्स बनानी है। हम बताएंगे का मतलब कौन बताएगा, मैं आऊंगा बताने? नहीं सर, इनकम टैक्स एक्ट बताएगा, सेक्शन 44A बताएगा आपको कि कौन कौन सी बुक्स आपको बनानी है। आगे
एंड अदर डॉक्यूमेंट एज मे अनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बुक्स क्यों बनानी है? दो दो चीजों के लिए बनानी है। एक तो आपको सेक्शन 44A बोलता है बुक्स बनानी है, तो यहां तो आपका मैंडेटरी हो गया, मतलब आप बाउंड हो गए, बंध गए हो आप किसमें, इनकम टैक्स एक्ट में, इसलिए आपको बनानी है। और दूसरा पर्पस क्या है बनाने का, ताकि आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए और असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कंप्यूट कर पाए। असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कंप्यूट कर पाएगा मतलब आप समझ रहे हो, मैं फिर लेके आ रहा हूं आपको, वो आपके P&L को ऐसे गहराई में डूब के देखेगा कि आपने क्या क्या पाप करे हैं P&L अकाउंट में, क्या आपने कोई पेमेंट कर दी है 10,000 रुपए से ऊपर, क्या आपने कहीं ऐसा कोई खर्चा किया है जहां पर TDS नहीं काटा है, क्या आपने ऐसी कोई पेमेंट करी है जहां पर इनकम टैक्स के प्रोविजंस का वायलेशन हो गया है, क्या आपने ऐसा कोई खर्चा बुक किया है जो कि अलाउड नहीं था, क्या आपने डेप्रिसिएशन सही कंप्यूट किया है या नहीं किया है। तो ये सारी बातें जब वो देखेगा तो वो कहां पर देखेगा, ऑब्वियसली सर वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखेगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक वो कैसे आपकी कंप्यूटेशन करेगा। मेरा सवाल तो यही है, जब तक आप बुक्स नहीं बनाओगे तो वो कैसे आपकी इनकम कंप्यूट कर पाएगा? फिर तो वो क्या बोलेगा कि जो आपने इनकम बोली है मैं मान लेता हूं वही इनकम है। अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो दुनिया, पूरी दुनिया बोलेगी ये मेरी इनकम, ये मेरी इनकम, ये मेरी इनकम, और असेसिंग ऑफिसर कहेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो आपने बोल दिया सब कुछ बढ़िया है। ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर देखो लॉ भी ये बात बोल रहा है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है और आपको अदर डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं, आपको अदर डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं एज मे एनेबल, जिससे कि असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कंप्यूट कर पाए। क्या कर पाए? असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कंप्यूट कर पाए। फिर से बोल रहा हूं, क्या कर पाए? असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कंप्यूट कर पाए। इसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अंडर सेक्शन 44AA, मैंडेटरी, वॉलेंट्री, एज द केस मे बी। तीन ऑप्शन आ गए मान लो, तो आप क्या बोलेंगे? मर्जी है बनाना? नहीं, इट इज अ मैंडेटरी। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे? सर ये मैंडेटरी है, 44AA में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन करते हैं, अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन करते हैं। क्लियर है यहां तक? आइएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल और HUF। अगर आप इंडिविजुअल हैं या HUF हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। कब बनानी है? मैंने आपको बताया, अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं, अगर आप छोटे प्रोफेशनल हैं तो आपको बुक्स नहीं बनानी। आपके गली मोहल्ले में वो जो छोटा ग्रोसरी वाला बैठा है, छोटा सा किराने वाला बैठा है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वो छोटा व्यक्ति है, वो छोटा बिजनेस करता है, और छोटे लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना। सर लॉ में छोटे और बड़े को कैसे डिफाइन किया गया है? क्या लॉ में ये बोला है जिसकी हाइट 5 फीट से कम होगी वो बुक्स बनाएगा नहीं बनाएगा, और जिसकी हाइट 5 फीट से ज्यादा होगी वो बुक्स बनाएगा? नहीं, लॉ में छोटे बड़े को डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम और ऑन द बेसिस ऑफ योर सेल्स, जिसको कि हम कहते हैं टर्नओवर। तो इनकम टैक्स में छोटे और बड़े को डिफाइन करने के लिए बोला गया है कि अगर आपकी इनकम इतने से कम है, अगर आपकी टर्नओवर या सेल या ग्रॉस रिसीप्ट इतने से कम है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। देखिएगा, इन केस ऑफ अ बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, तो मैंने आपको बताया ना प्रोफेशन दो तरह से हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। तो अगर आप बिजनेस करते हैं या आप नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन करते हैं,
तो अगर आपका ये ऑनगोइंग बिजनेस है, मतलब आप बिजनेस पहले से करते आ रहे हैं, तो आपको क्या देखना है, वेयर द इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड ₹2,50,000। अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, या फिर आपकी जो टोटल सेल्स है, टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीप्ट है, एज द केस में भी ये 25 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। कब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है और कब 25 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, कब मतलब कब ये आपका 25 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए या 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए, तो आपको बुक्स बनानी पड़ेंगी इन द लास्ट 3 प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम। जिस साल के लिए आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरा ईयर अंडर कंसिडरेशन क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2021। तो कोई मेरे से पूछेगा, सर क्या आपको 2021 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, या फिर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट, आपकी सेल्स या आपकी टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, कब, इस साल में, सर इस साल की तो अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं, इस साल में थोड़ी देखेंगे, इन द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में कभी भी, पिछले 3 सालों में कभी भी अगर इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस में भी वो 25 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको इस वाले साल में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। पढ़िएगा, इन द केस ऑफ अ ऑनगोइंग बिजनेस और प्रोफेशन वेयर द टोटल इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड ₹2,50,000 और द सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस में भी एक्सीड ₹25 लाख इन एनी, हाईलाइट करिएगा, इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर। अगर आपका पिछले 3 सालों में, पिछले 3 साल कब से लोगे, जिस साल के लिए आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, उस साल के पिछले 3 सालों में अगर कभी भी आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है या इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होगी। आइएगा मेरे साथ कुछ केस नोट करिएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं केस 1, मेरा फाइनेंशियल ईयर अंडर कंसिडरेशन है 2021। सवाल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी या नहीं बनेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं यहां पर 3 साल की पोजीशन ड्रॉ कर रहा हूं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो ये मेरा ईयर हो गया फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल ईयर 17-18, यही 3 साल देखोगे और पीछे के भी देखने हैं क्या? नहीं सर, आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021। 2021 के लिए सवाल है, सवाल ये कहता है कि आपको यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, इधर यस और नो, आपको ये आंसर देना है, इधर यस और नो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं यस और नो, आपको बताना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी या नहीं बनेगी। एक काम करिएगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, आप इसको बार बार नोट करिएगा, मेरे पास तो यहां पर कला है कॉपी करने की, तो मैं यहां पर इसको कॉपी कर रहा हूं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये मैंने कर लिया है कॉपी और इसको मैं यहां कर रहा हूं पेस्ट, ये मेरा बन जाएगा केस 2, ये मेरा बन जाएगा फिर इसी तरह से केस 3,
अब आइएगा यहां पर, ये मैंने बना दिया केस वन, ये बन गया केस टू, और ये मैंने बना दिया केस थ्री। अब आप मुझे बताइएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी या नहीं बनेगी। मैं आपको कुछ फैक्ट एंड फिगर्स दूंगा। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, मेरी टर्नओवर है 5 लाख, मेरी इनकम है 2 लाख, मेरी टर्नओवर है 2 लाख, मेरी इनकम है 1 लाख, मेरी टर्नओवर है 24 लाख और मेरी इनकम है 3 लाख। बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा। सर हमें क्या देखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, पिछले 3 सालों में कभी भी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है इन एनी ऑफ द 3 इयर्स, एनी है या कॉन्टिन्यूअस है, एनी है, किसी भी एक साल में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, या किसी भी एक साल में, चाहे 2 में हो जाए चाहे 3 में हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है, किसी भी एक साल में, कम से कम किसी भी एक साल में अगर आपकी टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले वाले केस में बताइएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। सर यहां पर टर्नओवर है 5 लाख, 25 से कम है, यहां इनकम है 2 लाख, 2.5 से कम है, यहां टर्नओवर है 2 लाख, 25 से कम है, यहां इनकम है 1 लाख, 2.5 से कम है, यहां टर्नओवर है 24 लाख, 25 से कम है, लेकिन यहां इनकम है 3 लाख जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहां पर बनेंगे या नहीं बनेंगे। बनेंगे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे। क्लियर। दूसरा केस देखिएगा, टर्नओवर इज 24 लाख, इनकम इज 3 लाख, टर्नओवर इज 20 लाख, इनकम इज 1 लाख, टर्नओवर इज 20 लाख एंड द इनकम इज 5 लाख। बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। बनेंगे। देखो ना आप यहां पर 3 लाख रुपए है 2.5 लाख से ज्यादा हो गई, 5 लाख है ये भी 2.5 लाख से ज्यादा हो गई, आपको तो एक ही साल में देखना था, मतलब एक साल में कम से कम देखना था, 3 में देखना है, लेकिन एक भी साल में अगर हो गया तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ जाएगी। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहां पर फिर से मैं बोलूंगा बनेगी। तीसरा केस देखिए, टर्नओवर इज यहां पर मैं कहता हूं 5 लाख एंड द इनकम इज 2 लाख। फिर आगे कहते हैं टर्नओवर 20 लाख, इनकम 2 लाख, यहां पर आपका टर्नओवर है 8 लाख और इनकम है आपकी 1 लाख। बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा या नहीं बनेगा। सर यहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनेगा क्योंकि किसी भी साल में 2.5 लाख रुपए से इनकम ऊपर नहीं है और किसी भी साल में टर्नओवर 25 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनेगा। क्लियर है हम यहां तक? कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको एक केस दूंगा केस नंबर 4, वहां आपके डाउट्स आ सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को एक बार अच्छे से समझिएगा, फिर उसके बाद मैं केस नंबर 4 पर आपको लेके चलूंगा। देखिएगा केस नंबर 4 मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसमें आप मुझे बताइएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी या नहीं बनेगी। सो अगेन वही फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है 2021, क्लाइंट आपके पास आया है और पूछ रहा है बताइए मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं। अब जैसे ही उसने आपसे पूछा बताइए मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो आपने अगला सवाल पूछा कि मेरे को सेक्शन 44AA पता है, सेक्शन 44AA कहता है कि पिछले 3 सालों में आपका अगर टर्नओवर
25 लाख या आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है इन एनी ऑफ द थ्री प्रीवियस ईयर, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी, अदरवाइज आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनेगी। क्लाइंट ने आपको जवाब दिया, असस्सी ने बोला सर मैंने तो बिजनेस ही यहां स्टार्ट किया है, मैंने तो बिजनेस ही यहां स्टार्ट किया है, अब मेरे आप पिछले साल की टर्नओवर कैसे देखोगे, मेरे पिछले साल की पिछले 3 सालों की इनकम कैसे देखोगे, मैं तो बिजनेस ही आज शुरू करने वाला हूं। आज क्या है, मान लो 1 अप्रैल, आज मान के चलो इसने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2020 को, और ये आपसे एडवांस में 1 अप्रैल 2020 को साल शुरू होने पर ही आ गया और बोल रहा है सर मुझे एडवाइस दे दो। क्या एडवाइस दे दो, कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं? अब आप यहां पर उसे कहेंगे आओ जरा मुझे बताओ 3 सालों का क्या आपका हिस्ट्री रहा है, 3 सालों में आपने क्या क्या इनकम कमाई है, क्या क्या आपकी टर्नओवर रही है? तो बोल रहा है सर कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो बिजनेस ही आज शुरू करना हूं, मैं 3 साल पहले की आपको क्या बातें बता पाऊंगा, मैं तो बिजनेस ही आज शुरू कर रहा हूं। अब आप बताइए क्या जवाब देंगे? अब लॉ जवाब देगा, लॉ बोलेगा कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं ना, तो आपको फिर पिछले 3 साल की टर्नओवर, पिछले 3 साल की इनकम नहीं देखनी। उस केस में आप देखो कि जिस साल में आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर आपका लाइकली टू अचीव क्या होगा, वहां पर आप देखो आपका लाइकली टू इनकम क्या होगी, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड इनकम क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड टर्नओवर क्या हो सकती है। तो अगर आपका आंसर आए कि मेरी जो एक्सपेक्टेड टर्नओवर है वो 25 लाख रुपए हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, अगर आपका आंसर आए मेरी एक्सपेक्टेड इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी, तो उस केस में आप बोलिए कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, अदरवाइज यू डोंट रिक्वायर टू कीप और मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिएगा इन केस ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आपका नया सेटअप किया हुआ बिजनेस है या प्रोफेशन है, तो इफ हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज लाइकली टू एक्सीड बाय 25 लाख, मतलब आपको लगता है कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी, और हिज टोटल सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस मे बी इन द बिजनेस और प्रोफेशन आर लाइकली टू एक्सीड ₹25 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो क्योंकि यहां पर आप बिजनेस ही नया शुरू कर रहे थे, तो आप पिछले 3 सालों पर तो जा ही नहीं सकते, आपको ऐसे में देखना है कि जिस साल की आप बात कर रहे हैं उस साल में अगर आपको लगता है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगी, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट या सेल एज द केस मे बी 25 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी, तो भाई साहब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, वरना आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मत करना। अब याद करिए वही एग्जाम्पल, मैं फिर से लौट के आ गया, आपके गली मोहल्ले में जो एक छोटा सा किराना शॉप है, छोटा सा किराना शॉप है, दिन भर में 500-700 रुपए की सेल करता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है क्या? नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता बताइए, क्यों नहीं बनाता? उसका मन नहीं करता बनाने का, या उसको जरूरत नहीं है बनाने की? सर उसको जरूरत नहीं है, लॉ उसको बाउंड नहीं करता। क्योंकि देखिए जब मैं कहता हूं 500 से 700 रुपए की सेल करता है एक दिन में, तो पूरे साल में कितने की सेल करता होगा, वो मल्टीप्लाई कर लीजिए 365 दिन से, आपको आंसर मिल जाएगा। और क्योंकि यहां पर आपकी सेल 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे आप पुराना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इस वजह से वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता। हाँ जिस दिन वो बड़ा बन जाएगा, जिस दिन वो अपना एक अच्छा स्टोर खोलेगा और दिन भर में इतनी सेल कर देगा कि साल भर में 25 लाख रुपए की सेल हो जाएगी, तो वहां पर वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है यहां तक? यस। आइएगा, मैंने ऊपर आपको बताया उन बिजनेसेस के लिए जो कि सॉरी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए
जो कि बिजनेस करते हैं या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप HUF हैं और आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन करते हैं, तो आपके लिए बुक्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर जो लिमिट है वो बस थोड़ी सी अलग है, बाकी सारी बातें सेम है। तो लिमिट्स आर स्लाइटली डिफरेंट इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन। सो इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन द लिमिट्स आर स्लाइटली डिफरेंट, अदरवाइज रेस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच सेम। आइएगा, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और एनी अदर प्रोफेशन एज हैज बीन नोटिफाइड बाय CVDT। तो ये जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन होंगे, ये कौन बताएगा कि ये स्पेसिफाइड है या नहीं है? प्रोफेशन तो बहुत सारे हैं। डांसिंग भी एक प्रोफेशन है, टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सी भी एक प्रोफेशन है, एडवोकेट एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंसी विच इज नॉट फॉल अंडर द अबव लिस्ट, तो वो भी तो एक प्रोफेशन है। लेकिन यहां पर कौन सा प्रोफेशन कवर होगा? वो प्रोफेशन जो यहां पर लिख दिए गए हैं, या वो प्रोफेशन जिन्हें CVDT नोटिफाई करेगी? तो CVDT बताएगी कि ये वाला प्रोफेशन स्पेसिफाइड है, CVDT बताएगी इस वाले प्रोफेशन को छोड़कर बाकी सब क्या है, नॉन स्पेसिफाइड है। तो जिन प्रोफेशंस को उन्होंने लिस्ट में लिख दिया, तो वो तो क्या बन गए, स्पेसिफाइड। और जिन प्रोफेशंस को उन्होंने लिस्ट में नहीं लिखा, वो क्या बन गए, नॉन स्पेसिफाइड। तो जो हो गए आपके प्रोफेशनल स्पेसिफाइड प्रोफेशन, उनके लिए जो लिमिट है, उनके लिए जो यहां पर लिमिट रखी गई है स्टूडेंट्स, वो है ग्रॉस रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोफेशन एक्सीड ₹1,50,000 इन एनी वन ऑफ द थ्री इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर। सर यहां पर ग्रॉस रिसीव्ड रखी है, इनकम की बात नहीं करी, सेल की बात नहीं करी। तो मैं आपको बता दूं, प्रोफेशन कभी सेल नहीं करता, प्रोफेशन तो हमेशा क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और सर्विसेज में क्या आता है, ओनली रिसीप्ट आती है। प्रोफेशन कभी माल नहीं बेचता, प्रोफेशन क्या करता है, रिसीप्ट लेता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कुछ बेचता है क्या? नहीं सर, वो तो केवल रिसीप्ट देता है, वो केवल रिसीप्ट लेता है और आपको एक पर्ची देता है, बिल देता है बस। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या बेचता है, ऑडिट बेचता है, ITR बेचता है? नो, वो केवल आपको अपनी सर्विसेज बेचता है, और सर्विसेज के बदले क्या लेता है, रिसीप्ट्स लेता है, और बदले में क्या देता है, बिल देता है। तो यहां पर जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन हैं, उनके लिए लिमिट में दो बातें नहीं है कि आपकी इनकम इतनी होगी और सेल इतनी होगी। यहां केवल एक ही बात है कि आपकी जो ग्रॉस रिसीप्ट है, वो अगर 1.5 लाख रुपए से ऊपर है इन एनी ऑफ द थ्री प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रिसीडिंग द ईयर इन विच यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, तो वहां पर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। तो यहां हाईलाइट करिएगा, एक्सीडिंग ₹1,50,000, क्या एक्सीड होना चाहिए, ओनली द ग्रॉस रिसीव्ड। लेकिन अगर आप नया प्रोफेशन सेटअप करना चाहते हैं, एक्सेप्ट सेटअप करने जा रहे हैं, तो आपको वहां पर जो रिसीप्ट देखनी है, दैट लाइकली टू बी एक्सीड ₹2,50,000। ये 250 नहीं है, इसको चेंज कर दीजिएगा, इट इज 150। तो सिंपल सी बात वही बोली, अगर आप पहले से प्रोफेशन में हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हैं, अगर आप पहले से स्पेसिफाइड प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और पिछले 3 सालों में कभी भी आपकी प्रोफेशनल रिसीप्ट 1,50,000 से ऊपर पहुंच गई हैं, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना। अगर आप नया प्रोफेशन करने जा रहे हो और आपको लगता है कि आप 1,50,000 रुपए से ज्यादा की रिसीप्ट ले आएंगे, ग्रॉस रिसीप्ट कर लेंगे, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लेना, अदरवाइज हम आपको बाउंड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए। क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा, सो द प्रोफेशनल्स whose gross receipt are less than the specified limit given above
आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट दीज हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड इन रूल। अगर कोई प्रोफेशन ये चाहता है कि मेरी लिमिट कम है और मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर भी बना लूं, तो भाई बना लो, कौन रोक रहा है। मैंने यही तो आपको स्टोरी के अंदर बताया, किसी बंदे को आप कह दो कि तुम्हारे ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसका मन है बनाने का। अब क्यों है? कई रीजन हो सकते हैं। या तो आप अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि मैं, मेरी ये पढ़ाई काम कब आएगी, अगर मैं अपने लिए अकाउंटिंग ही नहीं कर पाया तो फिर मेरे पढ़ने का फायदा क्या हुआ। तो आप शौक शौक में अकाउंटिंग कर लीजिए, बुक्स बना लीजिए। अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते हैं आपने क्या प्रॉफिट कमाए हैं, तो आप बुक्स बना लीजिए। हमने तो आपको नहीं बोला था बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने को, आप बना लिए, बना लो, आपकी मर्जी है। अगर एक बंदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका हाथ रोक लेगा? अरे भाई इतनी हिम्मत क्यों हो गई तुम्हारी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो मैंडेटरी है ही नहीं, क्यों बना रहे हो? हाथ रोक लेगा क्या आपका? कैसी बातें कर रहे हो सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी होने पर अगर मैं बनाता हूं तो अच्छी बात है, अगर मैं मैंडेटरी होने पर नहीं बनाता हूं तो बेकार बात है। लेकिन अगर मेरे ऊपर मैंडेटरी नहीं है और मैं फिर भी बना लेता हूं तो कौन रोकेगा मुझे, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तो अगर मेरे ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी नहीं है और मैं फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता हूं, तो आप बना सकते हो। नो वन विल रेस्ट्रिक्ट यू, नो वन विल आस्क यू कि आप क्यों बना रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा आपसे, आप बनाओ आपकी मर्जी। लेकिन कौन सी बुक्स बनाओगे, जो आपका मन करे? क्या फिर आप वो बुक्स बनाओगे जो हम आपको बताएंगे? अरे नहीं सर, आप कुछ भी बनाओ, फिर तो आप कुछ भी बनाओ, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। आइएगा, इन अदर वर्ड्स दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एज मे अनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट द टोटल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। लेकिन जब वो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो वो ऐसे बनाएं जिससे कि कल को अगर एओ उनसे पूछे कि आपकी ये इनकम कैसे आई, तो वो दिखा सके, देखो ये है सबूत मेरी इनकम के और ये इनकम मैंने ऐसे कंप्यूट करी है, ये इसका बेसिस है। हम ये कह रहे हैं, फिर से सुनना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर नहीं हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में कहीं कोई कंफ्यूजन रह गई है तो वो क्लियर कर रहा हूं। अगर आपके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी नहीं है क्योंकि आपकी लिमिट अभी उतनी नहीं पहुंची, तो आप कुछ भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, लेकिन ऐसे बनाना जिससे कल को अगर असेसिंग ऑफिसर आपसे पूछे कि कैसे आपके इनकम कंप्यूट की जाए, मुझे वो सबूत दिखाओ जिससे मैं ये कंप्यूट कर पाऊं कि ये आपकी इनकम है, तो वो एनेबल हो जाए, मतलब उसको आसानी हो जाए आपकी इनकम डिटरमाइन करने में या आपकी इनकम कंप्यूट करने में, उसको आसानी मिल जाए, आसानी हो जाए उसके लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट, वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना लेना। अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है मैं यहां तक? कोई डाउट, कंफ्यूजन? नहीं सर। आइएगा, अब बात करते हैं, अगर आप अदर देन इंडिविजुअल और HUF हैं, तो ऊपर मैंने जो बात करी थी वो किसके लिए बात करी थी? ओनली फॉर द इंडिविजुअल और HUF। लेकिन अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हैं, अदर देन HUF हैं, मतलब आप कंपनीज हैं, आप AOP हैं, आप BOI हैं, आप आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन हैं, आप ट्रस्ट हैं, या आप कोई और व्यक्ति हैं अदर देन इंडिविजुअल और HUF, तो आपके केस में जो लिमिट होगी वो 120,000 इनकम की और 10,00,000 रुपए सेल की होगी। तो फर्क देख रहे हैं, इंडिविजुअल HUF को इनकम की लिमिट कितनी दी है? 2,50,000, और सेल के लिए कितना दिया है? 25,00,000। जबकि अदर देन इंडिविजुअल और HUF को इनकम कितनी दी है? 120,000, और सेल कितनी दी है? 10,00,000। तो ये एक फर्क है, बाकी सारी बातें यहां पर बिल्कुल सेम है। कब देखनी है ये लिमिट हमें? इन एनी वन ऑफ द थ्री इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर, पिछले 3 सालों में कभी भी अगर आपकी इनकम 120,000 से ऊपर है, या पिछले 3 सालों में कभी भी अगर आपकी इनकम, सॉरी ग्रॉस रिसीप्ट, टर्नओवर या सेल एज द केस मे बी 10,00,000 रुपए से ज्यादा है,
तो आपको यहां पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप नया बिजनेस करने जा रहे हैं, नया प्रोफेशन करने जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो उस केस में अगेन, अगर आपका इनकम एक्सपेक्टेड टू क्रॉस दी 1,20,000 है, या आपकी टर्नओवर इज लाइकली टू बी अचीव और एक्सीड बाय 10 लाख है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में आपके लिए फिर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी कर रहे हैं। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट किसी को? अब आप कहेंगे, सर आपने ये आखिरी में तो बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, क्या रीजन था जल्दी पढ़ाने का? क्योंकि यही बात तो हम पहले इतनी देर से कर रहे थे, बस यहां तो क्या चेंज है, लिमिट्स चेंज है। यहां तो क्या है चेंज, बस लिमिट्स चेंज है। तो इंडिविजुअल एचईएफ पे मैंने क्यों टाइम लगाया? ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, और यहां मैंने देखो वो टाइम बचा भी दिया। मैं यहां पर क्या कह गया कि यहां तो केवल क्या है, लिमिट्स चेंज, बाकी तो सारी बातें सेम है। क्लियर है यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट अगर आपको हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू दी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। आपने एक सवाल आपके दिमाग में आया तो होगा कि सर स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन है? यहां पर लिखा था मैंने कि वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन जिसे सीबीडीटी नोटिफाई कर देगी, तो सीबीडीटी ने नोटिफाई किए हैं, सीबीडीटी ने बोला है कि ये प्रोफेशन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, सीबीटीटी ने बोला है कि ये वाले सभी प्रोफेशन स्पेसिफाइड प्रोफेशन हैं, कौन कौन से देखिएगा। नेक्स्ट पेज पर ही लिखा है स्पेसिफाइड प्रोफेशन। सो एज पर रूल 6F, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन अ लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और फिल्म आर्टिस्ट शेल कीप एंड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन रूल 6F2। 6F2 बताएगा कि कौन कौन सी किताबें आपको मेंटेन करनी है, कौन कौन सी किताबें आपको मेंटेन करनी है। क्लियर? सवाल यहां पर अक्सर आता है सीएस स्टूडेंट्स और सीएमए स्टूडेंट का, सर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बोल दिया, थोड़ा सीएस पर भी प्रकाश डाल दो, क्या सीएस भी स्पेसिफाइड है? यस सर, सीएमए भी स्पेसिफाइड है। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या लिखा है, यहां पर इन्होंने लिखा है प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी। अब प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी में वैसे देखो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आते हैं, सीएस नहीं आते, कंपनी सेक्रेटरी नहीं आते, सीएमए भी नहीं आते, बट स्टिल क्लैरिफिकेशन है। वहां पर उन्होंने बोला कि यहां पर सीएस और सीएमए दोनों इंक्लूड किए जाएंगे स्पेसिफाइड प्रोफेशन की लिस्ट में। क्लियर? अब आपको बुक्स कौन सी बनानी है, व्हाट आर दी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट आर दी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको बुक्स तो बनानी है, लेकिन कौन कौन सी बनानी है हम आपको बताएंगे। देखिए, प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, कैश बुक, जर्नल इफ अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन अ मर्केंटाइल बेसिस, लेजर। अच्छा, कैश बेसिस पे आप बना रहे हैं तो क्यों नहीं चाहिए जर्नल? क्योंकि सर वहां तो सीधा सीधा पता है, ये पेमेंट होगी, ये खर्चा है, ये पैसा आएगा, ये इनकम है, जो पैसा आया वो सब इनकम, जो पैसा गया वो सब खर्चा। ठीक है, फिर आपको सर चाहिए कार्बन कॉपी ऑफ अ बिल एंड रिसीप्ट इशूड बाय एनी पर्सन, वेदर मशीन नंबर और अदरवाइज सीरियली नंबर इन रिलेशन टू सम एक्सीडिंग ₹25। तो हर वो बिल आपको चाहिए सर, हर वो बिल आपको चाहिए जो ₹25 से ऊपर का है, हर उस बिल की आपको कॉपी चाहिए, और यही रीजन है कि बिल्स आर इशूड इन अ डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट फॉर्म, ताकि एक बिल आप रख लें जिसने माल बेचा, एक बिल की कॉपी उसको दे दे जिसने माल खरीदा, और एक बिल चला जाए ट्रांसपोर्टर के पास अगर रिक्वायर्ड है तो। क्योंकि यहां पर ₹25 से ऊपर की हर वो कॉपी आपको रखनी है, मतलब हर वो कॉपी आपको रखनी है जो ₹25 से ऊपर की वैल्यू की है, तो यहां पर वो डॉक्यूमेंट भी आपको रखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे, सर मैंने ₹50 का पेन खरीदा था, क्या उसका बिल भी मुझे रखना पड़ेगा? आंसर इज यस, आपको उसका बिल रखना पड़ेगा। सर मैं ₹50 का पेन खरीदने गया था, उसने मुझे बिल तो दिया ही नहीं था,
तो आप वाउचर बना के रखिएगा उसका। क्या रखेंगे फिर उस केस में? आप वाउचर बनाएंगे। आप सीखेंगे ये सारी बातें, आप कहाँ सीखेंगे? जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे। जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे ना, तो पहले 2 महीने तो आप यही काम करेंगे। अगर मैं बिग फोर को छोड़ दूं, मैं एक मीडियोकर सीए फर्म की बात कर रहा हूं, अगर आप मीडियोकर सीए फर्म में जाएंगे तो पहले 1.5 महीने 2 महीने आपसे यही काम कराए जाएंगे। वाउचिंग करवाई जाएगी, फाइलों का अरेंजमेंट करवाया जाएगा, आपको बेसिक बातें सिखाई जाएंगी। तो वहां देखेंगे कि अगर आपके पास बिल नहीं है तो आप उसका वाउचर साइन करवाते हैं, वाउचर बना के रखते हैं। क्लियर? और क्या चाहिए सर आपको? ओरिजिनल बिल एंड रिसीप्ट इशू टू द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्सन और वेयर सच बिल आर रिसीप्ट आर नॉट इशूड, पेमेंट वाउचर प्रिपेयर्ड एंड साइन बाय द पर्सन प्रोवाइडेड द अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹50 वेयर द कैश बुक कंटेन एडिक्वेट पर्टिकुलर प्रिपरेशन एंड साइनिंग ऑफ पेमेंट वाउचर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आपने ₹80 का कहीं खर्च किया, मान लीजिए ऑफिस का एक स्टाफ ₹80 का कन्वेंस खर्च करके आया, उसके पास कन्वेंस के बिल्स नहीं है। अब बिल्स क्यों नहीं है? मेट्रो में गया था, दिल्ली मेट्रो में गया था, मेट्रो वाले टिकट नहीं देते, टोकन देते हैं, वहीं पर डल जाता है टोकन, वहीं पर स्वैप होता है, एग्जिट करते हुए वो वापस ले लेते हैं। अब वो ऑफिस में क्या सबूत देगा कि मैंने मेट्रो में ट्रेवल किया था? तो वाउचर साइन कर देगा। वाउचर साइन करके आपने ये इंश्योर कर लिया कि हाँ, अब वो जो बंदा कह रहा है कि उसने खर्च किया था, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि उसने खर्च किया था। ठीक है? इन केस ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशन, ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, मतलब आप डॉक्टर हैं, आपका क्लिनिक है, तो आपको ऊपर के डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये भी रखना है। सो इन केस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ मेडिकल प्रोफेशन, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ही विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फॉलोइंग इन एडिशन टू द लिस्ट गिवन अबव। तो जो हमने आपको ऊपर लिस्ट दी है ना, उस लिस्ट के अलावा आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट क्या है? डेली केस रजिस्टर इन फॉर्म 3C। डॉक्टर का होता है फॉर्म 3C, आपको दिमाग नहीं चलाना फॉर्म 3C क्या होता है। तो डॉक्टर्स के क्लिनिक में रखा हुआ होता है फॉर्म 3C, जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे पास कितने 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 पेशेंट आए हैं और उसका क्या फिर ट्रीटमेंट हुआ, वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पर पेशेंट का एक रजिस्टर है फॉर्म 3C में, तो ये आपको मेंटेन करना है अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं तो। और आपको एक इन्वेंटरी अंडर ब्रॉड हेड ऑफ द स्टॉक ऑफ ड्रग्स मेडिसिन एंड अदर कंज्यूमेबल एसेसरी एज ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर यूज्ड फॉर हिज प्रोफेशन। तो अगर आप एक डॉक्टर हैं तो जनरली आपके पास मेडिसिन भी रहती हैं हॉस्पिटल्स में या मेडिकल जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है मेडिकल का, तो वहां पर आप कुछ दवाइयां भी रखते हैं, तो आपको उसका स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करना है कि साल के पहले दिन आपके पास कितनी दवाइयां थी, ड्यूरिंग द ईयर उसमें क्या प्लस माइनस हुआ, और साल के आखिरी दिन आपके पास कितनी दवाइयां रह गई हैं। तो यहां पर आप लिखिएगा स्टॉक रजिस्टर उन्हें मेंटेन करना है, और एक उन्हें अपने पेशेंट का रजिस्टर मेंटेन करना है, केस रजिस्टर कहते हैं हम इसे। तो ये केस रजिस्टर प्लस स्टॉक रजिस्टर, दोनों रजिस्टर आपको मेंटेन करने पड़ेंगे इन केस यू आर एंगेज्ड इन द मेडिकल प्रोफेशन। एम आई क्लियर टू यू और नॉट? चलिएगा इसके बाद देखते हैं बुक्स कहां पर रखनी है, दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बुक्स कहां पर रखनी है? क्या जहां मन करेगा वहां रख सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स? मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने घर पे, अपने बेडरूम में, या अपने किचन में, या कभी ऑफिस में, कभी मेट्रो में, कभी रेल में, कभी बस में, कहीं पर भी रख सकता हूं? नो। इनकम टैक्स एक्ट बताएगा आपको कि कहां आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए। आप खुद सोचिए कहां होने चाहिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सर रजिस्टर्ड ऑफिस में होने चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस में होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा आप इसे कहीं और भी रख सकते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड। देखिए, द बुक्स ऑफ बुक्स एंड द डॉक्यूमेंट शैल बी केप्ट एंड मेंटेन्ड एट अ प्लेस वेयर द पर्सन इज कैरिंग ऑन द प्रोफेशन
तो एक व्यक्ति अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां मेंटेन करेगा जहां पर वो अपना बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है। तो जहां वो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है वो क्या है, उसका रजिस्टर्ड प्लेस ही तो है। और वेयर देयर इज अ मोर देन वन प्लेस। अब मान लीजिए आप कहते हैं सर मेरे एक से ज्यादा स्थान है जहां पर मैं काम करता हूं, मेरा दिल्ली में भी ऑफिस है, मेरा मुंबई में भी ऑफिस है, मेरा गुड़गांव में भी ऑफिस है, अब मैं कहां रखूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी रख लो, कोई इशू नहीं है। सो इफ यू हैव अ मोर देन वन प्लेस एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ प्रोफेशन, आप प्रिंसिपल प्लेस पर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेंगे, मतलब जो आप अपना टैली मेंटेन करेंगे, जो आप अपने बही खाते बनाएंगे, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, वो कहां बनाएंगे? दिल्ली पे बनाएंगे। लेकिन कंडीशन एक्सेप्शन सुनिएगा, हाउ एवर इफ ही मेंटेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ ईच प्लेस और प्रोफेशन, सच बुक्स ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स मे बी कैप्ट एंड मेंटेन एट रिस्पेक्टिव प्लेसेस। तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर हर जगह के अलग अलग बनाता है तो वो उन्हें अलग अलग भी रखेगा। आप कहते हैं सर मैं दिल्ली के जो बिजनेस है, दिल्ली में जो मेरा बिजनेस चल रहा है मैं उसकी अकाउंटिंग अलग करता हूँ, जो मेरा गुड़गांव में बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग अलग करता हूँ, और जो मेरा मुंबई में चल रहा है बिजनेस उसकी अकाउंटिंग अलग है। तो आप तीनों के बुक्स अलग अलग रख सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं सर मैं तो सेंट्रलाइज अकाउंटिंग करता हूँ। सेंट्रलाइज का मतलब चाहे मुंबई कुछ करे चाहे गुड़गांव कुछ करे, अकाउंटिंग तो मेरी दिल्ली में ही होगी। तो वहां पर फिर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखेंगे? जो आपका प्रिंसिपल प्लेस होगा, प्रिंसिपल प्लेस का मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वहां पर आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेंगे। कितने टाइम तक रखना है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स? आपने टैली बना लिया, बही खाते बना लिया, कितने समय तक आप इसे संभाल के रखेंगे? द आंसर इज 6 ईयर। लॉ सेज कि अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो 6 साल तक आप उन्हें संभाल के रखना, क्योंकि हमें जरूरत पड़ सकती है इनकी। ये आप अभी नहीं समझेंगे कि आपको क्यों जरूरत पड़ सकती है, सीए फाइनल में जब आप डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ेंगे वहां पर आपको ये बात का आंसर मिल जाएगा, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन फॉर अ 6 ईयर। वहां पर आप देखेंगे असेसमेंट्स आएंगी कुछ आपकी, असेसमेंट का मतलब साल खत्म होने के बाद आपका केस आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देके बोलेगा आ जाओ और जरा हमें समझा जाओ कि ये इनकम कैसे आई है। तो वहां पर आप देखिएगा आपको 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्या रेलेवेंस है वो समझ आ जाएगी। सो पीरियड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द अबव बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द डॉक्यूमेंट शैल बी कैप्ट एंड मेंटेन्ड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। आपको 6 साल तक रखने होंगे, कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ लिखिएगा 2021, इसका असेसमेंट ईयर हो गया 21-22। तो यहां से आप 6 साल गिनिए, यहां से 6 साल गिनिए एंड से। तो एंड कब हुआ इसका? 22। तो आपको जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं वो कब तक रखने हैं? अप टू 28, और अब यहां कर लीजिए 27। तो आपको असेसमेंट ईयर 27-28 तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। असेसमेंट ईयर 27-28 तक आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि आपने बनाए होंगे कौन से असेसमेंट ईयर के लिए? कौन से असेसमेंट ईयर के लिए बताइए? 21-22 के लिए। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए बनाए हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर 6 साल तक आपको वो मेंटेन करने होंगे, और वो 6 साल आपके खत्म होंगे असेसमेंट ईयर 27-28 पर जाकर। एम आई क्लियर टू योर नॉट? इसके बाद आप देखिएगा एक स्पेशल प्रोविजन है, मैं ये स्पेशल प्रोविजन आपको पढ़ाऊंगा इसी क्लास में, लेकिन जब मैं आपको बाकी सेक्शन पढ़ा दूंगा। मैंने आपको बताया ना आज के सेक्शंस में बहुत लिंकिंग है, मैं आपको पूरा सेक्शन एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, ये स्पेशल प्रोविजन मैं आपको वापस लेके आऊंगा जब मैं आपको प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन समझाऊंगा। तो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में 3 सेक्शन है, 44AD, 44AD-A और 44AE। याद करिए मैंने आपको स्टार्टिंग में यहीं से शुरुआत करी थी,
तो ये जो तीन सेक्शन आएंगे ना आपके सामने, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एक दो और ये तीन, इन तीन सेक्शंस में मैं आपको एक ऐसे क्लॉज दिखाऊंगा, उन क्लॉज को समझाने के लिए, उन क्लॉज को पढ़ाने के लिए मैं आपको वापस लेके आऊंगा इस स्पेशल प्रोविजन पे। तो तब तक के लिए मैं स्पेशल प्रोविजन को क्या कर रहा हूं, तब तक के लिए मैं स्पेशल प्रोविजन को हाईलाइट करके छोड़ देता हूं कि ये मैं अभी आपको वापस यहां पर लेकर आऊंगा और फिर मैं इसकी रेलेवेंस आपको समझाऊंगा। अभी आपको समझ नहीं आएंगे, पहले सेक्शन पढ़िएगा, सेक्शन के बाद आप इसको पढ़िएगा, आपको ये एक बार में समझ आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है, कोई भी इश्यू? नहीं सर। चलिएगा स्टूडेंट्स, इसके आगे की बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको यहां पर बताया बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। क्यों बनाने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सर कई रीजन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के। सबसे पहले हमने समझा सर, सबसे पहली बात तो लॉ यहां पर आपको मैंडेट करता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। सेक्शन 44AA कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ली। लेकिन सर कुछ केसेस में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि हम खुद भी तो जानना चाहते हैं कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम क्या लॉस में हैं, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, तो उसके लिए हम खुद भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। और सर सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आपको कोई दूसरा लॉ कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, तो आप उस लॉ के हिसाब से बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए जीएसटी में आपको बोल दिया जाए कि जाइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के लाइए, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने बनाए हैं वो हमें दिखाइए, तो आप क्या करेंगे ऐसे में? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, अगर आपने बनाए हैं तो दिखाएंगे। अब सवाल ये आता है करना क्या है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो ये भी मैं आपको आंसर कर चुका हूं। सबसे पहला पॉइंट सर, जब भी असेसिंग ऑफिसर आपसे कहे कि मुझे दिखाइए कैसे मैं आपकी इनकम कंप्यूट करूं, तो आप कहेंगे ये पकड़ो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसे आप कंप्यूट कर लो, इससे आप कंप्यूट कर लो। लेकिन सर इनकम टैक्स में एक सेक्शन और है जो आपको बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसलिए बनाने हैं। देखिए सेक्शन 44AA क्या कहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। क्यों बनाने हैं वो ये नहीं बोलता। एक सेक्शन अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सेक्शन 44AB, अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट आई है इस पर, अ मेजर अमेंडमेंट हैज केम ऑन दिस सेक्शन। एमसीक्यू में, आपके एमसीक्यू में जरूर पूछी जाएगी अमेंडमेंट, ट्रस्ट मी, ये एमसीक्यू में अमेंडमेंट आपके आएगी। और डिस्क्रिप्टिव पॉइंट में अगर पीजीवीपी का क्वेश्चन आता है सेक्शन 44 पर, तो वहां पर भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा। बहुत मेजर अमेंडमेंट आई है, वो भी हम देखेंगे आज ही की क्लास में कि क्या है वो अमेंडमेंट, कैसे सेक्शन की पूरी रूपरेखा ही बदल दी है। मैं आपसे बात कर रहा था कि व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई ऑलरेडी आंसर कि सर एओ को दिखानी है, मुझे अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं, मुझे सेक्शन 44AB AA कहता है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है इसलिए मैं बना रहा हूं। बट व्हाट विल बी द यूजेस ऑफ दोस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या होगा उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बना के? एक सेक्शन है 44AB विच सेज ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर ये ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये कौन सा ऑडिट है? आप ऑडिट, ऑडिटिंग सब्जेक्ट आप पढ़ते होंगे, ऑडिटिंग में आपने बहुत सारे ऑडिट्स पढ़े होंगे, आपके आईपीसीसी लेवल पे जो आपका एक सब्जेक्ट है ना ऑडिटिंग, उसके अंदर भी आपने बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ ऑडिट देखे होंगे। ऑल्दो आपके सिलेबस में केवल एक ही ऑडिट एप्लीकेबल है, द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट अगर आप ऑडिटिंग की और डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऑडिट मिलेंगी। मैं एक एक करके नाम लेना शुरू करता हूं, फिर आप कोरिलेट कर पाएंगे कि ये कौन से ऑडिट की बात हो रही है और मैं आपको इनकम टैक्स के अंदर कौन से ऑडिट की बात बताने जा रहा हूं। सुनिएगा, सबसे पहला ऑडिट आपके सामने आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट।
विच इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं वहां पर एक सेक्शन आएगा कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है, वहां पर हम बोलते हैं इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। जब आप इंटर्नशिप में जाएंगे, अपनी आर्टिकलशिप में जाएंगे, वहां पर भी आप बहुत सारे ऑडिट्स करने जाएंगे, तो उन ऑडिट्स में एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, एक दूसरा ऑडिट आप देखेंगे इंटरनल ऑडिट, तीसरा ऑडिट आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑडिट, जहां पर आप कॉस्ट का ऑडिट करते हैं, आपको एक मिलेगा सिस्टम ऑडिट, जहां पर आप सिस्टम्स का ऑडिट करते हैं, एक आपको वर्ड सुनाई देगा बैंक ऑडिट। आजकल सीए फर्म्स में बहुत सारे सीएस के पास बैंक के ऑडिट्स होते हैं, तो बैंक का जब आप ऑडिट करते हैं वो भी आपके लिए एक तरह से ऑडिट है। बट यस, आपके आईपीसीसी लेवल पर ओनली द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल। ये सारे ऑडिट्स जो मैं आपको नाम बोल रहा हूं, बैंक ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये सब आप पढ़ेंगे सीए फाइनल लेवल पर। तो जब आप सीए फाइनल में आएंगे आप एक ऑडिट और जानेंगे और उस ऑडिट को हम कहते हैं टैक्स ऑडिट। सर ये टैक्स ऑडिट क्या होता है सुनिएगा, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आपने ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बना ली, लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट किसने बनाई? ध्यान से सुनिएगा, अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं, आपने क्या बनाया? आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई, लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसने बनाई बताइए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सर ये या तो मैंने खुद बनाई अगर मुझे अकाउंटिंग आती थी, या फिर मैंने ये किसी अकाउंटेंट से बनवाई। अब जब मैं कहता हूं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने या तो खुद बनाई है या मैंने किसी अकाउंटेंट से बनवाई है, तो सर हम ये कैसे मान लें कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये सही हैं? क्या इसमें कोई गलती के चांसेस नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे कि हमें ये लगे कि इसमें कोई बायसनेस नहीं है? क्या इसके अंदर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट नहीं है? क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज जो आपने छुपा रखी हो? क्या ऐसी कोई चीज जो आपने बढ़ा रखी हो? क्या हम कैसे ये मान लें कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं? हम ये कैसे मान लें भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसने बनाई है? आपने बनाई है, आप तो कुछ भी बना सकते हैं, आप तो यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं मेरे खर्चे इतने हैं, आप लिख सकते हैं मेरे खर्चे कम हैं, आप लिख सकते हैं मेरी इनकम कम है, आप कुछ भी यहां लिख सकते हैं। बट द पॉइंट इज दैट यहां पर हम ये कैसे यकीन कर लें कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें बना के दे के आए हो या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें दे रहे हो, वेदर द सेम आर करेक्ट और नॉट। तो इसके लिए हम सेक्शन 44AB में एक ऑडिट करवाएंगे, और ये जो ऑडिट होगा इसे हम कहेंगे टैक्स ऑडिट। ये जो ऑडिट होगा इसे हम कहेंगे टैक्स ऑडिट। आपके आईपीसीसी लेवल पर टैक्स ऑडिट आपके सिलेबस में नहीं है। आप ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, वहां पर भी आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप वहां पर केवल और केवल स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ रहे हैं, विच इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट। आप नहीं पढ़ रहे हैं टैक्स ऑडिट, और ये जो टैक्स ऑडिट होगा ये आपके सीए फाइनल लेवल पर आपको पढ़ाया जाएगा। बट फिर भी क्योंकि मेरे को पूरा सेक्शन आगे आपको समझाना है, और जब तक मैं आपको ये बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा कि टैक्स ऑडिट क्या है, आपके लिए समझना यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सर अल्टीमेटली इस सेक्शन का पर्पस क्या है। सुनिएगा, जब कोई असेसी कहता है ना कि ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये मेरी इनकम है, अब मैं इस पर टैक्स देना चाहता हूं, और वहां पर डिपार्टमेंट ये कहता है कि हाउ कैन वी ट्रस्ट, हाउ कैन वी मेक श्योर कि जो इनकम आप हमें बता रहे हैं, जो प्रॉफिट्स आप हमें बता रहे हैं,
वेदर दी सेम आर करेक्ट और नॉट, तो वहां पर वो आपको बोलता है कि एक काम करिए, जो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं ना, इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप जाकर ऑडिट करवा लीजिए। कौन करेगा ये ऑडिट, कौन कर सकता है ये ऑडिट? आप कर सकते हैं। आप क्या हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अभी आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद सीए फाइनल का एग्जाम देंगे, यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ऑडिट्स करेंगे। आप बहुत तरह की जो ऑडिट करेंगे उसमें से एक ये वाला ऑडिट भी करेंगे। तो यहां पर सेक्शन 44 ए बी क्या कह रहा है आपको? जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है ना, आप जाकर उसका ऑडिट करवा लीजिए। मैं बताऊंगा आपको कब ऑडिट करवाना है, किस लिमिट पर करवाना है। ऐसा नहीं है कि सभी बिजनेस और प्रोफेशंस ऑडिट करवाएंगे। अब आप इमेजिन करिए वही एग्जांपल, आपके जो गली मोहल्ले में एक किराना शॉप है, बिजनेस करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाता है, लेकिन क्या वो ऑडिट भी करवाता है? द आंसर इज नो, वो ऑडिट नहीं करवाता। सर वो क्यों नहीं करवाता? अभी तो आपने बताया कि हर कोई जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए एक ऑडिट करवाएगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे ऑडिट करके दे दो इनका। ऑडिट करने का मतलब क्या? ऑडिट करने का मतलब तो आप सब समझ रहे हैं क्या है। ऑडिट करने का मतलब है कि आप उस लॉ के प्रोविजंस को चेक करेंगे, वेदर दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर कंप्लाइंट और नॉट। तो मान लीजिए इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजन है, अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूं, आप कोरिलेट कर पाएंगे। सेक्शन 32 ने हमें क्या बताया था? डेप्रिसिएशन का मैनर बताया था कि डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट होगा। सो जब आप कहते हैं टैक्स ऑडिट होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चेक करेगा कि जो सेक्शन 32 के हिसाब से अलाउएबल डेप्रिसिएशन है, क्या आप उतना ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं या कम या ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। जब एक ऑडिटर ऑडिट करेगा तो वो आपका सेक्शन 43 चेक करेगा, जहां पर वो देखेगा क्या आपने कोई पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में करी है। अगर आपने कोई पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में करी होगी तो वो इमीडिएटली उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि यस असस्सी ने ऐसी ऐसी पेमेंट्स, ये पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में करी है। डिपार्टमेंट को उस ऑडिट रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि असस्सी ने यहां यहां पर वॉयलेशंस की है, किसकी? इनकम टैक्स एक्ट की। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द टैक्स ऑडिट? अ वेरी सिंपल मैनर जो मैं आपको यहां कह सकता हूं, सर जब इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पूरी तरह से फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, इस बात की जब रिपोर्ट दी जाती है या इस चीज का जब ऑडिट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं टैक्स ऑडिट। और टैक्स ऑडिट में केवल और केवल दोस्त इसी बात की चर्चा होगी कि आपने इनकम टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो किया है या नहीं किया है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, मैंने रेंट पे किया, लेकिन उस रेंट में आपके घर का भी रेंट इंक्लूडेड था। टैक्स ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आपका ऑडिट करेगा तो वहां पर वो ये चेक करेगा कि ये जो रेंट पे किया गया है क्या इसके अंदर सारा का सारा बिजनेस के लिए है या कुछ घर का भी है। तो वहां पर वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देगा और बोलेगा कि इस असस्सी ने इतना किराया पे किया है और इस किराए में इतना किराया इंक्लूडेड है, किसका? अपने घर का। सिमिलरली एक और एग्जांपल लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिन्हें आप क्लेम कर सकते हैं, केवल तभी क्लेम कर सकते हैं जब उनका पेमेंट हो गया हो। कब तक? ऑन और बिफोर द फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी, सरकार को कैसे पता चलेगा आपने पेमेंट नहीं करी? ऑडिटर बताएगा। जो आपका टैक्स ऑडिटर होगा ना, वो अपनी रिपोर्ट में लिख के देगा सरकार को, वो बोलेगा कि असस्सी ने इन खर्चों की पेमेंट अभी तक नहीं करी है। कब तक नहीं करी? रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक नहीं करी। सो इन दैट केस
डिपार्टमेंट विल केम टू नो कि एसएससी ने अगर ये पेमेंट नहीं करी है देन वी विल डिस अलाउ द एक्सपेंडिचर। अब देखो सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है एसएससी अब हम तुम्हारे यहां आ तो सकते नहीं है तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने, अब हम यहां पर बीच में एक एजेंट अपॉइंट करेंगे। और वो एजेंट कौन है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो कौन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर है। और वो क्या करने आएगा आपके यहां पर, टैक्स ऑडिट करने आएगा। तो सरकार बड़ी चालाक है, सरकार ने सिंपल यहां पर बोला हम एक सेक्शन लेके आएंगे सेक्शन 44AB जो बोलेगा कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका आप हमें ऑडिट करवा दो। तो ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए सेक्शन बात करता है। अब मैं आपसे एक फिर सवाल पूछूंगा, वापस पिछले ट्रैक पर जाके फिर सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? आपके आंसर अभी तक दो आ गए थे कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं ताकि प्रॉफिट निकाल पाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि सेक्शन मैंडेटरी करता है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम इसलिए भी बनाते हैं ताकि अगर हमारे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो गई तो हम उसका ऑडिट करवा पाए। अब आप इमेजिन करिए आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो गई है, मान के चलिए, वैसे भी मैंने आपको ये नहीं बताया कब आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी कब नहीं होगी, तो वो मैं भी बताऊंगा, बट मान के चलिए आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो गई। अब आपके यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट आके बैठा हुआ है, कहता है जी मैं तो आपका ऑडिट करने आया हूं। अब बताइए वो किसका ऑडिट करेगा, क्या वो आपके यहाँ देखेगा कि आपका काम कैसे चलता है, क्या वो आपको ये देखेगा कि आप काम कैसे करते हैं? नहीं, ये उसका स्कोप थोड़ी है। वो ये चेक करेगा कि जो खाते आपने बनाए हैं, जो बही खाते आपने तैयार करे हैं, वो आपने कैसे तैयार करे हैं, और उसके अंदर जो आइटमें आपने डाली हैं, खर्चे आपने डाले हैं, इनकम आपने डाली हैं, वेदर द सेम आर इन कनेक्शन विद द इनकम, इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ अ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और नॉट। तो वो यहां पर ये चेक करने आएगा कि आपने इनकम टैक्स के सभी प्रोविजंस को, सभी सेक्शंस को, सभी रेगुलेशंस को, पूरे के पूरे लॉ को आपने कंप्लाई किया है या नहीं किया है, क्या कहीं आपने कोई वॉयलेशन की। अगर आपने वॉयलेशन की तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सरकार को बताएगा कि यहां पर आपने ये वॉयलेशन की है। अगर आपने कोई वॉयलेशन नहीं करी तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देगा विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। एंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर वॉयलेशन हुई तो वो अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि यहां 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 पर मुझे वॉयलेशंस मिली हैं। एसएससी ने डेप्रिसिएशन प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया, एसएससी ने साइंटिफिक रिसर्च की डोनेशन में अमाउंट दिया लेकिन वहां पर कंडीशन पूरी नहीं हुई थी, एसएससी ने यह खर्चा किया और इस खर्चे की पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में कर दी, एसएससी ने खर्चा बुक किया लेकिन इस खर्चे की पेमेंट अभी तक की नहीं, एसएससी ने यह इनकम रिसीव करी लेकिन इस इनकम को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया नहीं। तो इस तरह की जो बातें हैं जो कहती हैं कि आपने इनकम टैक्स के प्रोविजन का वायलेशन कर दिया, वो सारी बातें आप मेंशन करते हैं कहां पर, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। कौन बनाएगा ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा। सर ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होगी ये किसके पास जाएगी, एसएससी के पास जाएगी या सरकार के पास जाएगी, सरकार के पास जाएगी। किसके पास जाएगी ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, सरकार के पास जाएगी। सरकार क्या करेगी, आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को और आपकी रिटर्न ऑफ इनकम को पढ़ेगी, कंपेयर करेगी, अगर दोनों में समानताएं होंगी तो वो आगे आपका केस प्रोसेस कर देगी अकॉर्डिंगली, और अगर उसमें कहीं कोई डिफरेंसेस होंगे तो वो उसको फिर प्रोसेस करेगी जो मैं आपको बताऊंगा रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में। तो रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑडिटर द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको दी गई है, गवर्नमेंट को दी गई है, और जो एसएससी द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न दी गई है, अगर इन दोनों में कहीं कोई डिफरेंस निकलता है, कहीं कोई इनरेगुलरिटीज मिलती हैं, तो क्या होगा, वहां पर क्या किया जाएगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में। तो फिलहाल वापस आते हैं इस सेक्शन पर, व्हाट
सेक्शन 44 AD सेज, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी तो केवल मैंने ये बताया है कि ऑडिट होगा, कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, और इस ऑडिट का नाम क्या होगा, टैक्स ऑडिट होगा। सर जब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो जरा ये भी बताइए रिपोर्ट कैसे सबमिट करेगा, एक फॉर्म है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, सो देयर इज अ फॉर्म PCA और PCB, इसके साथ में जुड़ जाता है 3CD और 3CD, तो ये एक फॉर्म है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है फॉर ऑडिट रिपोर्ट, ये एक फॉर्म है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है फॉर ऑडिट रिपोर्ट। तो जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी असेसी का ऑडिट करता है, वो कहता है कि मैं आपका ऑडिट कर रहा हूं टैक्स ऑडिट, तो ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ 3CA 3CD और इन द फॉर्म ऑफ 3CB 3CD। सर क्या फर्क है दोनों में, लिखिएगा, ये मैंने बात अपनी बुक में मेंशन नहीं करी है, सो प्लीज आप इसको यहां लिख लीजिएगा। सो इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, देयर आर टू टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, वन इज 3CA 3CD, सेकेंड वन इज 3CB 3CD, दूसरी क्या है हमारे सामने 3CB 3CD। तो क्या है दोनों में फर्क, देखिए मैं यहां लिख देता हूं इसको, वेयर द ऑडिट इज रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ। तो जब आप कहते हैं कि जो एसएससी है जिसका आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, उस टैक्स ऑडिट के अलावा, उस टैक्स ऑडिट के अलावा अगर आपका किसी और लॉ में ऑडिट होना है, अगर आपका किसी और लॉ में ऑडिट होना है, या आपका किसी और लॉ में ऑडिट होने की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर जब आप अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो वो आपका फॉर्म सबमिट किया जाएगा 3CA 3CD में। लेकिन जब आप कहते हैं वेयर द ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ, मैं भी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, अंडर एनी अदर लॉ, तो जब आप कहते हैं कि आपका किसी और लॉ में कोई ऑडिट नहीं होना, तो वहां पर आप फॉर्म भरते हैं 3CB। एग्जांपल के साथ समझिएगा, आप इसको जल्दी समझ पाएंगे। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपके पास जीएसटी भी होगा, डेफिनेटली होगा, आपकी वहां पर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर हो गई है, आपकी वहां पर टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर हो गई है, तो जीएसटी में, जीएसटी के लॉ कहते हैं कि आपको जीएसटी में ऑडिट करवाना पड़ेगा। कौन सा ऑडिट करवाना पड़ेगा आपको, इनकम टैक्स का? नहीं सर, कौन सा ऑडिट करवाना है आपको, जीएसटी का। सो यहां पर क्या कहा सरकार ने, अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स के अलावा, इनकम टैक्स को एक तरफ रख दो, अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स के अलावा किसी और लॉ के अंदर कोई ऑडिट होना है, तो फिर यहां पर जो आप टैक्स ऑडिट करेंगे, इनकम टैक्स का जो ऑडिट आप करेंगे, उसमें जो आप फॉर्म फाइल करेंगे वो 3CA 3CD होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई और ऑडिट नहीं होना है सिवाय इनकम टैक्स का ऑडिट होने के, तो वहां पर फिर आप जो फॉर्म फाइल करेंगे वो 3CB और 3CD फाइल करेंगे। एक और एग्जांपल लीजिएगा, मान लीजिए आप कंपनी हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा, कंपनी चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, कंपनीज को हमेशा अपना अकाउंट्स ऑडिट करवाना होता है, कंपनीज को हमेशा अपना अकाउंट ऑडिट करवाना होता है। ये कौन सा ऑडिट कहलाता है सर? सर ये कहलाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसको हम कहते हैं स्टैट ऑडिट।
स्टेट ऑडिट इज मैंडेटरी इन ऑल द केसेस इफ यू आर अ कंपनी। तो मुझे बताइए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने जा रहा है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने जा रहा है किसकी, कंपनी की, कौन सा फॉर्म फाइल करेगा, 3CA या 3CB? 3CA। क्यों सर, 3CA क्यों करेगा? 3CA में क्या लिखा है, जहां पर आप कहते हैं ऑडिट इज रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ, जब आप कहते हैं ऑडिट जरूरी था किसी और लॉ में, तो बताइए कंपनी के केस में ऑडिट जरूरी था क्या किसी और लॉ में? द आंसर इज यस, कंपनी के केस में स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी होता है, और क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट यहां मैंडेटरी होता है, इट मींस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। अंडर एनी अदर लॉ मींस इनकम टैक्स के अलावा किसी लॉ में उसके ऊपर रिक्वायरमेंट थी, तो इन दैट केस The ऑडिटर विल सबमिट the फॉर्म 3CA। और अगर आप कहते हैं सर ये प्रोप्राइटर है लेकिन इसका जीएसटी में कोई ऑडिट नहीं होना, इसका एक्साइज में कोई ऑडिट नहीं होना, या किसी और लॉ के अंदर भी कोई ऑडिट नहीं होना, तो आप कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? सर इस केस में हम फाइल करेंगे 3CB। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है हम यहां तक? तो यहां पर दो बातें निकल के आई हैं स्टूडेंट्स। पहली बात, आपको अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पर अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा और रिपोर्ट सरकार को देगा। रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, 3CA 3CB। CA कब है मैंने बता दिया, CB कब आएगा मैंने बता दिया। Now, अब समझते हैं what are the conditions जहां पर आपको audit करवाना होगा। So, what are the conditions जहां पर आपको audit करवाना होगा? A major amendment has came in 2020, Finance Act 2020 में यहीं पर एक major amendment आई है। तो पहले हम समझते हैं पहले तक क्या scenarios चल रहे थे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा amendment कहां पर और कैसे आई है। सुनिएगा, छोटी सी बात है, सुनिएगा पहले, फिर बुक पर चल के उसको देखेंगे कि बुक एग्जैक्टली वहां पर हमें क्या कहती है। सो इनकम टैक्स का सेक्शन 44AD ये कहता है, बस केवल सुनना है, लिखना नहीं है, सब कुछ लिखा मिलेगा आपको बुक पर, आपको यहां कुछ नहीं लिखना है, जहां मैं बोल रहा हूं लिखना है वहां लिखिएगा। इनकम टैक्स का सेक्शन 44AD कहता है, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं। अब आप याद करिए, आपकी गली मोहल्ले वाला जो किराना शॉप है, क्या वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है? बना रहा है। मान लीजिए उसका टर्नओवर 25 लाख रुपए से ऊपर है या इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, वो बना रहा है, लेकिन क्या वो ऑडिट भी करवा रहा है? नहीं करवा रहा। Why? क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि सर उसका टर्नओवर 25 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। सो आपको ऑडिट कब करवाना है? मैंने अभी बताया आपको, सर अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर कंसिडरेशन, तो वहां पर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाएंगे। वहां पर आप बोलेंगे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी भी सीए को कि प्लीज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? बिकॉज सेक्शन 44AB आपको मैंडेट करता है, वो आपके ऊपर एक इम्पोजिशन करता है, वो बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा किससे, ₹1 करोड़ से, तो उस केस में यू हैव टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। आपको वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करवाने पड़ेंगे? ऑडिट करवाने पड़ेंगे। और इस ऑडिट को मैं क्या नाम दूंगा? टैक्स ऑडिट। इस ऑडिट को मैं क्या नाम दूंगा? टैक्स ऑडिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइएगा मेरे साथ बुक पर, देखिए क्या लिखा है बुक पर।
ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन, सभी का नहीं कर रहे हम सभी का ऑडिट नहीं कर रहे, आपके गली मोहल्ले में किराने शॉप का ऑडिट नहीं कर रहे, हम सर्टेन पर्सन्स का कर रहे हैं। कुछ विशेष लोग हैं जिनका हम ऑडिट कर रहे हैं। कौन है वो विशेष लोग? सर, वो लोग जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, हम केवल उन्हीं का ऑडिट करने की बात कर रहे हैं। देखिएगा, सो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ सर्टेन पर्सन, वी आर एट पेज नंबर 35। कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, तो जो आप बिजनेस करते हैं या आप प्रोफेशन करते हैं और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। प्रोफेशन के केस में कुछ और लिमिट है, तो अभी जब मैं प्रोफेशन पर आऊंगा, मैं वहां पर आपको कुछ और लिमिट बता दूंगा, बट अभी आप मान के चलिएगा 1 करोड़ की लिमिट है। देखिएगा, एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से पार हो जाएगा तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बट स्टिल देयर आर फ्यू मोर पॉइंट्स व्हिच आई विल डिस्कस विद यू आफ्टर कंप्लीटिंग दी सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE। मैंने आपको आज पहले ही बताया, आज की क्लास बड़ी सिंपल सी क्लास नहीं होगी, जहां पर मैं एक एक सेक्शन आपको कंप्लीट कराते हुए चलूंगा। आज हम आधा सेक्शन अभी पढ़ेंगे, आधा सेक्शन बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पर कुछ लिंकिंग है स्टूडेंट्स, जिसे आप प्लेन रीडिंग से नहीं समझ पाएंगे जब तक आप वो सेक्शंस कंप्लीट नहीं करेंगे। 3 सेक्शन है मेरे माइंड में अभी, 44AD, 44ADA और 44AE। जब आप उन सेक्शंस को पढ़ेंगे तभी आपको यहाँ की पूरी बात समझ आएगी। तो जितना मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं आप उतना पढ़िएगा, बाकी पार्ट में आपको कवर करवाऊंगा उन 3 सेक्शंस के साथ साथ। आइएगा, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी में बिजनेस के लिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, सो एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हैं, शेल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, वो अपने खातों को ऑडिट करवाएगा, वो अपनी बुक्स को ऑडिट करवाएगा। किससे करवाएगा? बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इफ हिज टोटल सेल, अगर उसकी जो टोटल सेल है, टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीप्ट है, एज द केस मे बी, जैसा भी केस हो, मतलब आपकी टर्नओवर एक्सीड हो जाए, आपकी ग्रॉस रिसीप्ट एक्सीड हो जाए या आपकी सेल्स एक्सीड हो जाए, कितने से? इन द बिजनेस एक्सीड और एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। अगर आपकी टर्नओवर, अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट, अगर आपकी सेल्स एक्सीड हो रही हैं कितने से? 1 करोड़ से, तो उस केस में यू हैव टू डन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। किससे करवाएंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएंगे। प्रोवाइडेड, छोड़ दीजिएगा अभी, छोड़ दीजिएगा अभी, मैं आपको वापस लेके आऊंगा। प्रोफेशंस के केस में बात करिएगा, अगर आप प्रोफेशन करते हैं, अगर आप प्रोफेशन करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप ऐसे किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है जिसको कि प्रोफेशन की कैटेगरी में डाला गया है, देन इन दैट केस आपके लिए 1 करोड़ की लिमिट नहीं होगी। आपके लिए 1 करोड़ की लिमिट नहीं होगी, आपके लिए जो लिमिट होगी वो 50 लाख रुपए होगी। मतलब अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, आर्किटेक्चरल हैं या हर उस प्रोफेशन में कवर है जो मेंशन किया गया है, तो आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने होंगे अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना होगा। देखिएगा, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशन करते हैं, शेल
गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड इफ द ग्रॉस रिसीप्ट इन प्रोफेशन एक्सीड्स ₹50 लाख। अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख रुपए से पार हो जाती है, 50 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है, देन यू हैव टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। आपको अपने खातों का क्या करवाना पड़ेगा सर? ऑडिट करवाना पड़ेगा। किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। सर ये क्या, मैं तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तभी तो मैं प्रोफेशनल हूं, तो मैं किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट क्यों करवाऊं? मैं तो खुद ही अपना ऑडिट कर लूंगा। मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा था, इसीलिए बोल रहा था आपको यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना है। अगर आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो क्या आप खुद ऑडिट कर सकते हैं अपना? बताइए, क्या आप खुद अपना ऑडिट कर सकते हैं? सर अगर आप अपना ऑडिट खुद कर लेंगे तो डिपार्टमेंट कैसे यकीन मानेगा कि आपने ऑडिट सही किया है? भाई जब आप अपना खुद ऑडिट करने बैठ जाएंगे तो फिर तो क्या होगा, कोई भी सरकार को बताएगा ही नहीं कि क्या गलतियां हुई हैं, कहां पर वॉयलेशन हुआ है इनकम टैक्स एक्ट का। सब क्या बोलेंगे, हां जी सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ है। सो यहां पर क्या चीज समझने वाली है, इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपकी टर्नओवर, आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे। और जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाएंगे तो ये ऑडिट आप खुद नहीं कर सकते, यू हैव टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर क्या ये मैं अपने दोस्त से करवा सकता हूं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है? करवा सकते हैं। सर क्या मेरे फादर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है मैं उनसे करवा सकता हूं? नहीं करवा सकते। सर मेरा भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उससे करवा सकता हूं? नहीं करवा सकते। सर माय वाइफ इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या मैं उनसे करवा सकता हूं? नहीं करवा सकते। तो ये आप समझेंगे कि कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करवाना है और किससे आप नहीं करवा सकते। सो यहां पर सिंपली आप समझिएगा, अगर आप रिलेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराते हैं तो वहां पर आपका ऑडिट ऑडिट नहीं माना जाएगा, लेकिन आप ऐसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाते हैं विच इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन, तो वहां पर आपका ऑडिट वैलिड ऑडिट मान लिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पेज पर आइएगा, एक्सेप्शन की बात, एक्सेप्शन भी मैं आपको बाद में कवर करवाऊंगा सेक्शन 44AD और ADA के बाद, स्पेशल प्रोविजन भी बाद में हम देखेंगे। ऑडिट रिपोर्ट वाला क्लोज देख लीजिएगा, द पर्सन मेंशन अबव वुड हैव टू फर्निश बाय द स्पेसिफाइड डेट अ ऑडिट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी। क्या है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म? 3CA 3CB 3CD 3CA 3CD एक साथ है, 3CB 3CD एक साथ है। देखिएगा, फॉर दिस पर्पस द बोर्ड हैज प्रिस्क्राइब्ड रूल्स 6G फॉर्म 3CA 3CB 3CD कंटेनिंग फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड द पर्टिकुलर टू बी फर्निश्ड हेयर विद। तो यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला गया है कि जब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट देंगे तो वो ऑडिट रिपोर्ट आप हमें देंगे इन द फॉर्म ऑफ 3CA 3CB 3CA 3CD 3CB 3CD। क्लियर है हम यहां तक? कब देनी है सर ये ऑडिट रिपोर्ट, व्हाट इज द स्पेसिफाइड डेट? सो सुनिएगा, ऑडिट रिपोर्ट इज ऑलवेज टू बी सबमिटेड, फाइनेंस एक्ट 2020 का ही चेंज है ये, यहां लिखिएगा अमेंडेड है ये। अमेंडेड का मतलब फाइनेंस एक्ट 2020 में ये बात इन्होंने बोली है पहली बार। द ऑडिट रिपोर्ट इज ऑलवेज टू बी फर्निश्ड बिफोर द 1 month ऑफ द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो जो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम भरने की, ITR भरने की जो ड्यू डेट है, उसके 1 महीना पहले आप हमें अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देना। तो लेट्स से आपकी ROI भरने की, रिटर्न ऑफ इनकम भरने की जो ड्यू डेट है वो 31st अक्टूबर 2021 है, तो बताइए आप अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब तक सबमिट करेंगे? 30th सितंबर 2021।
मान लीजिए सरकार कहती है कि हमने आपकी आईटीआर भरने की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर कर दी, तो आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे? बाय द 30th नवंबर 2021। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सरकार सिंपल ये कह रही है कि जो भी आपकी रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट आएगी उसके ठीक 1 महीना पहले तक हमें आप अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दे देना, ताकि हमारे को प्रॉपर टाइम मिल जाए एनालिसिस करने का, उसके ऊपर अगर हमें कोई एक्शन लेना हो तो हम एक्शन ले पाए, और उसका क्या क्या यूज होगा वो हम यूजेस कर पाए वो आप समझेंगे सीए फाइनल में, अभी आपके काम की बातें वो नहीं है। देखिएगा, एक बंदे के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो गया, मैंने आपको अभी बताया सेक्शन 44A(b) कहता है यू हैव टू डन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, आपने ऑडिट नहीं करवाया, आप कहते हैं मैं नहीं करवाता ऑडिट, जो करना है कर लो, मैं ऑडिट नहीं करवाता, क्या करेगी सरकार? जेल में डाल देगी? आपने ऑडिट नहीं करवाया जेल में डाल देगी? जेल तो बहुत बाद में आएगा, उससे पहले आपको पेनलाइज करेगी, उससे पहले आपके ऊपर पेनल्टीज लगाएगी, इंटरेस्ट लगाएगी, और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके जो रेलेवेंट पेनल्टीज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो मैंने यहां लिखे हैं। पीनल प्रोविजन अंडर सेक्शन 271B, हाईलाइट करिएगा सेक्शन 271B, आप पढ़ेंगे कहां पर पढ़ेंगे? सीए फाइनल में। यहां केवल मैंने आपको एक झलक दी है स्टूडेंट्स, सीए फाइनल में आप इस पर पूरी पीएचडी करेंगे, वहां पर भर भर के डिटेल में आपको ये सारे सेक्शन समझाए जाएंगे। तो व्हेन यू विल बी इन दी सीए फाइनल, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीड ऑल दीज सेक्शंस, आप वहां पर इसकी डिटेल में एनालिसिस समझेंगे। ऑल्दो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट स्टिल मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, अगर आप अपना टैक्स ऑडिट ऐप नहीं करवाते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 271B में कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगी। एंड व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस? देखिए, पीनल एक्शन कैन बी टेकन फॉर नॉट गेटिंग दी अकाउंट्स ऑडिटेड एंड नॉट फाइलिंग दी ऑडिट रिपोर्ट बाय दी स्पेसिफाइड डेट। क्या पेनल्टी आ जाएगी सर? 1 लाख रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर आ जाएगी। अगर आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाते तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर आ जाएगी। और सर इतना ही नहीं, 0.5% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज हायर, 1 लाख रुपए या फिर 0.5% ऑफ द टर्नओवर, 0.5% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज हायर, तो जो भी ज्यादा होगा उतने की आपके ऊपर हम पेनल्टी इंपोज कर देंगे। अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 271B। यू विल रीड दिस सेक्शन इन दिस सीए फाइनल ओनली। यहां तक की बातें आपको क्लियर है? यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइएगा, अदरवाइज अब मैं आपको वो अमेंडमेंट वाला पार्ट स्टार्ट करवा रहा हूं, सुनिएगा। क्या अमेंडमेंट आई? बहुत बड़ा चेंज हो गया फाइनेंस एक्ट 2020 में जब ये अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट हुई। क्या चेंज था सुनिएगा। अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया फिर से सुनिए, सेक्शन 44A(b) ये कहता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप प्रोफेशन करते हैं, तो आपके आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड हो जाता है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं। अगर आप प्रोफेशन करते हैं और आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट, टर्नओवर नहीं होता प्रोफेशन में तो मैं इसलिए ग्रॉस रिसीप्ट लिख रहा हूं, अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट एक्सीड हो जाती है किससे, ₹50 लाख से, तो आपको ऑडिट करवाना है। ऐसा ही मैंने पढ़ाया, ऐसा ही आपने समझा। अब सुनिए वन ऑफ द चेंज डन बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 ने बोला
अगर आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, ध्यान रखिएगा, जो अमेंडमेंट पार्ट आया है वो प्रोफेशन के लिए नहीं आया है। तो प्रोफेशन 50 लाख रुपए ग्रॉस रिसीप्ट के ऊपर अगर चली जाती है, उनकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से ज्यादा, तो वो अपना ऑडिट करवा रहे थे, करवा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं नो चेंज, एज इट इज है, जैसा पहले मैंने आपको पढ़ाया वैसा ही है। अब आप सुनिएगा बिजनेस के लिए इन्होंने क्या बोला, फिर से देखिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपकी टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे। लेकिन फाइनेंस एक्ट 20 ने बोला, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का भी होगा, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का होगा, तो आपको ऑडिट नहीं करवाना है। फिर से सुनिएगा बात को, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक होगा, तो आपको ऑडिट नहीं करवाना है। सर ये क्या बात हो गई, अभी तो आपने बोला 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर टर्नओवर हो जाएगा तो ऑडिट होगा, और अब आप कह रहे हो 5 करोड़ तक कोई ऑडिट नहीं होगा। सुनिएगा, लॉसेस, अगर आपका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है और आप हमारी दो कंडीशन मान लेते हैं, आप हमारी दो कंडीशन मान लेते हैं, तो हम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करेंगे। फिर से सुनिए, सरकार ने पहले क्या बोला, सरकार ने बोला अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होगा तो हम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करेंगे, लेकिन हम 5 करोड़ तक ऑडिट नहीं करेंगे अगर आप हमारी दो शर्तें मान लोगे। क्या है वो दो शर्तें, ध्यान से सुनिएगा, एमसीक्यू यहीं पर बनेगा, एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर यहीं पर आपसे एमसीक्यू पूछेगा, मैं आपको कुछ केस बना के दूंगा और फिर वहां आप मुझे बताइएगा वेदर द ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट। पहली कंडीशन सुनिएगा, दो कंडीशन यहां पर दी हैं, पहली कंडीशन ध्यान से सुनिए, योर, या ऐसे लिखिएगा आप इसको, टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स इन कैश शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल पेमेंट्स। या आप यहां इसको ऐसे कर लीजिए, पेमेंट इन कैश शुड नॉट बी एक्सीड बाय 5% ऑफ द टोटल पेमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या कहा यहां पर, अभी एनालिसिस करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। सर दूसरी कंडीशन क्या दी यहां पर इन्होंने, लिखिएगा, रिसीप्ट इन कैश, हाईलाइट करिएगा कैश को, वो कह रहे हैं रिसीप्ट आपकी कैश में नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड बाय 5% ऑफ द टोटल रिसीप्ट। पूरे साल में जितना भी आपने पैसा रिसीव किया है, जितना भी पैसा आपने रिसीव किया है, चाहे वो कैश में किया चाहे अदर देन कैश किया, उसका 5% निकाल लीजिए, और ये जो अमाउंट आएगा इतने से ज्यादा अगर आपने कैश के रिसीव की हुई है, कैश रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो वहां पर आप 5 करोड़ रुपए की लिमिट से बाहर हो जाएंगे, वहां पर आप 1 करोड़ के लिमिट में आ जाएंगे। सो व्हाट गवर्नमेंट सेज, अगर पूरे साल में आपकी जो टोटल रिसीप्ट आई है, टोटल रिसीप्ट, अच्छा यहां पर ये भी बताइएगा, टोटल रिसीप्ट फ्रॉम ऑपरेशंस या
अदर वाली रिसीप्ट्स की भी बात हो रही है सर, यहां कहीं एज सच नहीं लिखा रिसीप्ट फ्रॉम ऑपरेशंस या रिसीप्ट फ्रॉम एनीवन। तो यहां पर आप क्या मानेंगे? एनीवन। टोटल रिसीप्ट की बात हो रही है, टोटल रिसीप्ट का मतलब पूरे साल में जो आपको रिसीप्ट आई है, चाहे वो आपके सेल करने की वजह से आई है, चाहे वो आपको किसी से पेमेंट आई है, चाहे वो आपने किसी से उधार लिया है, चाहे किसी ने आपको एडवांस दिया है, चाहे आप किसी भी वजह से पेमेंट लाए हैं, तो जो पेमेंट आपके पास आई है, जो पेमेंट आपके पास आई है, मतलब आपके लिए जो टोटल रिसीप्ट हुई है, उस रिसीप्ट का 5% अगर आपने कैश में रिसीव किया है, मोर देन 5% अगर आपने कैश में रिसीव किया है, तो आप इस 5 करोड़ की लिमिट का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। अगर आपकी टोटल रिसीप्ट का 5% जितना पैसा अमाउंट आता है, अगर आप उससे कम रिसीप्ट कैश में लेके आते हैं, तो हम आपको इस सेक्शन में आने देंगे और हम वहां पर आपका ऑडिट नहीं करेंगे अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक भी होगा। ऑन द अदर हैंड क्या बोला, आप जो टोटल पेमेंट करते हैं, चाहे वो खर्चों की पेमेंट करते हैं, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर की पेमेंट करते हैं, चाहे किसी को उधार देते हैं, चाहे किसी को एडवांस देते हैं, बाय व्हाटएवर इज, आप जो टोटल पेमेंट करते हैं, तो आपकी जो कैश की पेमेंट है, आपकी जो कैश की पेमेंट है, वो टोटल पेमेंट के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी टोटल पेमेंट, अगर आपकी कैश पेमेंट टोटल पेमेंट से के 5% से ज्यादा नहीं होंगी, तो हम आपके लिए जो ऑडिट की लिमिट है वो 5 करोड़ कर देंगे। लेकिन अगर आपने मान लीजिए टोटल पेमेंट में जो 5% वैल्यू निकली, उससे ज्यादा आपने कैश में पे कर दिया, तो आपके लिए फिर लिमिट क्या कर देंगे? 1 करोड़ कर देंगे। सर अगर मेरा टर्नओवर 6 करोड़ है तो क्या होगा? तो मैंने आपको यही तो बताया अभी, 1 करोड़ वाली लिमिट को हम 5 करोड़ पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपका टर्नओवर ही 6 करोड़ है, तो आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होगा ही होगा। चाहे आपकी रिसीप्ट कैश वाली 5% से कम है, चाहे आपकी पेमेंट कैश वाली 5% ऑफ द टोटल पेमेंट से कम है, वहां तो आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल हो ही जाएगा। तो यहां पर आप आइएगा मेरे साथ, एक छोटा सा चार्ट बना के इसका एनालिसिस करते हैं। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, यहां पर मैंने आपको दो बातें बताई, आपकी लिमिट अप टू 1 CR, अगर 1 करोड़ है तो आपको कोई ऑडिट नहीं कराना। अगर आपकी टर्नओवर 1 से 5 करोड़ है तो दो बातें हैं। पहली बात, क्या आपकी पेमेंट या रिसीप्ट 5% वाली कैटेगरी में आती है तो आपको ऑडिट नहीं कराना। अंडर 5% ऑब्वियसली कैश वाली, अगर एक्सीड हो जाती है, मतलब 5% कैश वाली जो पेमेंट है या पेमेंट जो रिसीप्ट है वो एक्सीड हो जाती है 5% से, तो आपको ऑडिट कराना होगा। अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 CR है तो आपको ऑडिट करवाना होगा। आप समझ पाए हैं ये पॉइंट क्या है? अब बुक पर चलते हैं और बुक से इसको फिर से समझेंगे। सरकार ने क्या अमेंड किया? सरकार ने सिंपल बोला, मैं समराइज कर देता हूं सिचुएशंस को। 1 करोड़ तक आपको ऑडिट नहीं कराना। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से पार हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, देन यू हैव टू रिक्वायर द ऑडिट। लेकिन हम आपको 5 करोड़ तक के उस पर भी ऑडिट नहीं करेंगे। हमारी दो शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, आपकी जो टोटल पेमेंट है
आपकी जो कैश वाली पेमेंट है वो टोटल पेमेंट के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो रिसीप्ट है कैश वाली रिसीप्ट है वो टोटल रिसीप्ट की 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एंश्योर, गवर्नमेंट इज सेइंग कि आप कैश का धंधा बंद कर दो, आप कैश का बिजनेस बंद कर दो, आप सब कुछ डिजिटल कर दो। जैसे ही आप सब कुछ डिजिटल करेंगे हमारे पास पूरी की पूरी ट्रैकिंग आ जाएगी, फिर हमें आपके पीछे नहीं भागना पड़ेगा कि आपने कहां कहां पर टैक्स की चोरी करी। सो व्हेन यू डू एवरीथिंग इज ऑन अ डिजिटल मोड, आप कैश में नहीं काम करेंगे तो हम भी आपको एक बेनिफिट देंगे, और वो ये बेनिफिट होगा कि हम 5 करोड़ तक की टर्नओवर का ऑडिट नहीं करेंगे। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि कैश की पेमेंट शुड नॉट एक्सीड बाय 5% ऑफ द टोटल पेमेंट, कैश की रिसीप्ट शुड नॉट एक्सीड बाय द 5% ऑफ द टोटल रिसीप्ट। एम आई क्लियर टू यू और नॉट? आइएगा मेरे साथ बुक पर, जो पार्ट मैंने आपको पीछे छुड़वाया था अब उसको देखिएगा, प्रोवाइडेड वापस से पढ़िएगा ताकि आप फ्लो में इसको पढ़ पाए। एवरी बिजनेस हु इज एवरी पर्सन हु इज कैरिंग अ बिजनेस शैल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड इफ द टोटल सेल टर्नओवर और द ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस मे बी इन द बिजनेस एक्सीड और एक्सीड्स 1 करोड़ रुपी इन एनी प्रीवियस ईयर। अगर आपका किसी भी प्रीवियस ईयर में टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस में भी 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो आपको ऑडिट करवाना होगा। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब मैंने इनकम टैक्स में कई बार बताया है आपको, प्रोवाइडेड का मतलब होता है एक्सेप्शन। हाउ एवर इसका मतलब जो हमने ऊपर बात बोली है उसके अपोजिट यहां पर हम कुछ काम करने जा रहे हैं। हाउ एवर प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ पर्सन हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फॉर सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड अमाउंट। अगर आपकी जो टोटल रिसीप्ट्स हैं उसके अंदर जो कैश वाली रिसीप्ट्स हैं अगर वो 5% ऑफ द टोटल रिसीप्ट से एक्सीड नहीं हो रही है तो हम आपके लिए लिमिट 5 करोड़ कर देंगे। फिर उस केस में हम आपकी जो ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ थी ना उसको हम बदल देंगे और क्या कर देंगे, 5 करोड़ कर देंगे। दूसरी कंडीशन, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड इंक्लूडिंग द अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश इंक्लूडिंग द ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड्स 5% ऑफ द सेड पेमेंट। तो अगर आपकी जो टोटल पेमेंट है ना उसमें से जो कैश वाली पेमेंट है अगर वो 5% ऑफ द टोटल पेमेंट से एक्सीड नहीं हो रही है तो हम आपके लिए जो ऑडिट लिमिट है, ऑडिट टर्नओवर लिमिट है 1 करोड़, उसको हम बदल देंगे, चेंज कर देंगे, और वो लिमिट हम कितनी कर देंगे, 5 करोड़। इन दोनों ही कंडीशन में स्टूडेंट्स याद रखना एंड नहीं लिखा हुआ है, सॉरी और नहीं लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, एंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर यहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहेंगे, बट मेरा ये मानना है एक बार अगर आपने कंसेप्चुअली ये बात समझ ली यू विल नेवर डू एनी मिस्टेक इन दैट कॉन्सेप्ट। यहां क्या लिखा है कि आपकी टोटल पेमेंट के अंदर जो कैश पेमेंट है वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ प्लस का निशान बना लो यहां पर और लिख लो दोनों बातें पूरी होंगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये एप्लीकेबल होगा। और दूसरी बात क्या है, टोटल पेमेंट के अंदर कैश पेमेंट 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप केस सुनिएगा और ध्यान से मुझे जवाब दीजिएगा, मैंने टोटल पेमेंट करी है 100 रुपए की, कैश पेमेंट कर दी है 10 रुपए की, टोटल रिसीप्ट मेरी आई है 100 रुपए की
और कैश रिसीव हुआ है मेरे को 1 रुपए का। बताइए क्या मैं प्रोवाइजो में आ जाऊंगा, क्या मैं 5 करोड़ की लिमिट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। वाई सर? यहां पर आपकी जो टोटल रिसीप्ट है वो 100 रुपए है, कैश रिसीप्ट तो केवल 1 रुपया है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरी जो पेमेंट है उस पेमेंट के अंदर 10 रुपए मैंने कैश पे किया है, विच इज मोर देन दी 5% ऑफ द टोटल पेमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिएगा क्या लिखा है यहां पर। सो इन सच केस, अगर ऐसा होगा, मतलब अगर आपका टोटल पेमेंट में कैश पेमेंट 5% से ज्यादा नहीं होगा, टोटल रिसीप्ट में कैश रिसीप्ट का 5% से ज्यादा नहीं होगा, देन इन दैट केस एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, जो कि बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन को यहां नहीं बोला, प्रोफेशन को यहां पर नहीं बोला, शेल इफ हिज टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस मे बी इन बिजनेस एक्सीड और एक्सीड्स 5 करोड़ इन एनी प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए हम लिमिट क्या कर देंगे? उसके लिए हम लिमिट कर देंगे 5 करोड़ रुपए। फिर से सुनिएगा बात को, अगर आपकी टोटल रिसीप्ट के अंदर जो कैश वाली रिसीप्ट है वो 5% ऑफ द टोटल रिसीप्ट से ज्यादा नहीं है, अगर आपकी टोटल पेमेंट के अंदर जो कैश वाली पेमेंट है वो 5% ऑफ द टोटल पेमेंट नहीं है, देन इन दैट केस वी विल रिप्लेस द लिमिट ऑफ 1 करोड़ बाय द 5 करोड़। हम वहां पर आपकी लिमिट क्या कर देंगे? 5 करोड़ रुपए कर देंगे इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ रुपीस। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अभी मैं आपके सामने कुछ केसेस दूंगा, उन केसेस से हम इसको और डेवलप करेंगे कि एग्जैक्टली लॉ यहां पर क्या चाहता है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा उन केसेस से वेदर दी ऑडिट इज रिक्वायर्ड और नॉट, क्या वहां पर ऑडिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, आइएगा मेरे साथ देखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ केसेस देख लेते हैं यहां पर, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर हो जाए कि आपको ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना। सो मैं एक एक करके केस बनाता रहूंगा, आप यहां पर बहुत ध्यान से कैलकुलेशंस करिएगा, बहुत ध्यान से प्रोविजन की एप्लीकेशन समझिएगा। प्रोविजन आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 करोड़ आपके लिए लिमिट कब है और 5 करोड़ आपके लिए लिमिट कब है। ठीक है, सो दिस इज द केस नंबर 1। सो यहां पर मैं ले रहा हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1 को मैं कॉपी करूंगा, यहां पर फिगर्स चेंज करता रहूंगा, देन यू हैव टू डिसाइड वेदर द ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट। सो सबसे पहले ले लेते हैं टर्नओवर, उसके बाद बात करते हैं टोटल पेमेंट्स, फिर आ जाते हैं टोटल रिसीप्ट, कैश पेमेंट, कैश रिसीव्ड, और एक चीज और ले लेते हैं यहां पर, नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि जितने भी मैं केसेस बनाऊंगा पार्टिकुलर्स तो सेम ही रहेंगे, आई विल चेंज दी नंबर्स ओनली, तो ये मैं यहां से कर लेता हूं कॉपी। इसको यहां डाल देते हैं अलग अलग पेजेस पे, सो दैट वी कैन चेंज दी नंबर्स एंड डिसाइड दी सिनेरियोस की ऑडिट होगा या नहीं होगा। सुनिएगा, यहां पर मैंने ये डाल दिए हैं, आई थिंक सफिशियंट है, इतने ही हम केसेस बना पाएंगे। सो आइएगा मेरे साथ वापस, मैं लिख रहा हूं टर्नओवर, यहां पर मैंने आपको टर्नओवर दी 1 करोड़, टोटल पेमेंट्स आपने करी हैं 2 करोड़, टोटल रिसीप्ट्स आपने करी हैं 3 करोड़, कैश पेमेंट आपने करी है 10 लाख,
कैश रिसीव आपने किया है 1 लाख और नेट प्रॉफिट आपके आए हैं 5 लाख। बताइए ऑडिट होगा या नहीं होगा? सर ऑडिट तो होगा, क्यों होगा बताइए ऑडिट? बिकॉज चलिए मैं इसको 1.05 कर देता हूं टर्नओवर का, वरना आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि सर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं हुआ है, तो ऑडिट तो होगा। ऑडिट क्यों होगा? क्योंकि सर 1 करोड़ से ऊपर है। लेकिन अब आपको 5 करोड़ की लिमिट देखनी है या 1 करोड़ की लिमिट देखनी है, इसके लिए आपको ये वाला एक रिलेशन देखना पड़ेगा कि जो आपकी कैश पेमेंट है वो 10 लाख रुपए है और ये जो टोटल पेमेंट है वो 2 करोड़ है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़, क्या ये 5% से एक्सीड है? क्या ये 5% से एक्सीड है? नहीं, ये 5% से एक्सीड नहीं है। तो यहां पर पेमेंट्स वाले में आपने बोला कि ओके है, पेमेंट्स ओके है, इसका मतलब हम 5 करोड़ की लिमिट ले सकते हैं। अब आप चेक करिए रिसीप्ट के ऊपर, तो देखिए आपकी जो कैश रिसीप्ट है वो 1 लाख है जबकि टोटल रिसीप्ट आपकी 3 करोड़ है, तो यहां भी वो अंडर 5% है। यस, तो अगर दोनों बातें आपकी पूरी हो गई तो आप क्या बोलेंगे, ऑडिट के लिए कितनी लिमिट हो गई, 5 करोड़ की। कितनी लिमिट हो गई ऑडिट के लिए, 5 करोड़ की। दूसरा केस देखिएगा, मैं कहता हूं टर्नओवर इज 2 CR, टोटल पेमेंट इज 2 CR, रिसीप्ट इज 3 CR, कैश पेमेंट इज 12 लाख एंड कैश रिसीव इज 8 लाख, नेट प्रॉफिट इज 10 लाख। बताइए ऑडिट होगा या नहीं होगा? ऑडिट होगा, 1 करोड़ से ऊपर है। लेकिन 1 करोड़ की लिमिट है या 5 करोड़ की लिमिट है? सर इसके लिए हम चेक करेंगे कि जो कैश पेमेंट है वो टोटल पेमेंट में कितना परसेंट है और जो कैश रिसीप्ट है वो टोटल रिसीप्ट में कितना परसेंट है। तो कैश पेमेंट बताइए कितनी है आपकी, 12 लाख, टोटल पेमेंट्स कितनी है, 2 करोड़। क्या ये 5% से ऊपर है? यस सर, ये 5% से ऊपर है। तो अब हम दूसरी कंडीशन को तो चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर आपकी जो कैश पेमेंट है वो 5% से ऊपर है टोटल पेमेंट्स की, तो यहां पर आपके लिए जो लिमिट होगी वो 1 करोड़ रुपीज होगी फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। क्लियर है? यहां कोई डाउट है आपको? नहीं सर। टर्नओवर आपका, मान लीजिए आपका टर्नओवर हो गया 3 करोड़, टोटल पेमेंट्स आपने कर दी हैं 2 करोड़, टोटल रिसीप्ट आपकी है 3 करोड़, कैश पेमेंट आपने करी है 1 लाख रुपए और जो कैश रिसीव किया है वो आपने किया है 20 लाख रुपए, प्रॉफिट है आपका 15 लाख रुपए। बताइए ऑडिट होगा या नहीं होगा? ऑडिट होगा, मोर देन 1 करोड़ है। अब आपकी लिमिट 1 होगी या 5 होगी, तो उसके लिए फिर से आप देखिए, आपने जो कैश पेमेंट करी है, कैश पेमेंट 2, कैश पेमेंट आपने करी है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख को देखोगे आप टोटल पेमेंट से, टोटल पेमेंट इज 2 करोड़ रुपीज, तो यहां पर ये परसेंटेज 5% से कम है। अब आप चेक करेंगे रिसीप्ट पर, तो कैश रिसीव कितना है किया आपने, 20 लाख, आउट ऑफ टोटल रिसीप्ट 30 लाख, 3 करोड़, तो यहां पर ये 5% से ऊपर है। इन दैट केस योर ऑडिट लिमिट विल बी 1 करोड़, नॉट दी 5 करोड़। तीसरा केस देखिएगा स्टूडेंट, इसके बाद केस देखिएगा, माई टर्नओवर इज 6 करोड़, द पेमेंट इज 1 करोड़, द रिसीप्ट इज 2 करोड़, द कैश पेमेंट इज 1 लाख एंड द कैश रिसीव इज ऑल्सो 1 लाख एंड द नेट प्रॉफिट इज 20 लाख। बताइए ऑडिट होगा या नहीं होगा? ऑडिट होगा, लेकिन क्या यहां पर, अच्छा क्या यहां 1 करोड़ की लिमिट देखनी है, 5 की देखनी है? सर आपका तो टर्नओवर वैसे ही 6 करोड़ है, तो फिर आप 5 वाली लिमिट देख के करोगे भी क्या? आपका तो टर्नओवर ही 6 करोड़ है, तो आपका तो ऑडिट वैसे ही हो जाएगा। क्लियर? सो आई थिंक दीज आर दी केसेस विच एग्जामिनर कैन आस्क इन दी एमसीक्यू।
एमसीक्यू आपका जो बनेगा वो इन्हीं सिनेरियो पर बेस्ड बनेगा। आपको एग्जामिनर बार बार घुमाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा कि देखो यहां पर इतना पेमेंट हो गया, टोटल इतना पेमेंट था, कैश इतना हो गया, अब आप बताइए वेदर द ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट। या आपसे एमसीक्यू में रिवर्स डायरेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कहेंगे आपने टोटल पेमेंट करी है 2 करोड़, आप ऑडिट में ना आए, 5 करोड़ तक की लिमिट में आ जाएं, इसके लिए आप बताइए कि आप कितना मैक्सिमम कैश पेमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, 2 करोड़ का 5% मतलब मैं मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक ही कैश पे कर सकता हूं। तो यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप 5 करोड़ की लिमिट में आना चाहते हैं, आपकी जो टोटल पेमेंट्स है वो 2 करोड़ है, बताइए हाउ मच यू कैन स्पेंड इन द कैश, आप कितना पे कर सकते हैं कैश में। ऑप्शंस नंबर आर ए बी सी डी, उसमें से एक ऑप्शन होगा 10 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं, पे कर सकते हैं कैश में, देन यू हैव टू सेलेक्ट 10 लाख। आई होप आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी इशू इसमें आपको नहीं होगा। सो जैसा मैंने आपको बताया था इस क्लास के स्टार्टिंग में कि क्लास आज की थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मैं इसको डेलिबरेटली एक्सटेंड नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्लीशन आई विल नॉट एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस क्लास। अभी भी मेरे 3 सेक्शन हैं विच आई हैव टू डिस्कस विद यू, सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA, सेक्शन 44AE। क्लास की ड्यूरेशन आज ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द फर्दर, आई एम क्लोजिंग दिस क्लास फॉर टुडे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ इन 3 सेक्शंस पर डिस्कशन करूंगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, एमसीक्यू में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी। तो आज की क्लास को यहीं खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास आपके साथ आएगी क्लास नंबर 11 ऑफ पीजीबीपी, जिसमें मैं आपके साथ ये 3 सेक्शंस डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगा वो एस्पेक्ट जो मैंने आपको सेक्शन 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 44AB ऑडिट ऑफ अकाउंट्स में छुड़वा दिए हैं, क्योंकि उनकी सीधी लिंकिंग है, उनकी सीधी लिंकिंग है आपके इन वाले 3 सेक्शंस के साथ। तो वो लिंकिंग कवर करेंगे, इन 3 सेक्शंस को देखेंगे जिन्हें हम प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन कहते हैं, और साथ में एक छोटी सी बात और देखेंगे, अनएक्सप्लेन्ड इनकम। तो जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स में बताया था, आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन उसे मैं डिस्कस करवाऊंगा अंडर द हेड पीजीबीपी। तो जब पीजीबीपी में ये 3 सेक्शंस हम पढ़ लेंगे, लिंकिंग सारा कवर कर लेंगे, उसके बाद आई विल डिस्कस फॉर द इन द रिमेनिंग 10 मिनट्स अनएक्सप्लेन्ड इनकम। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द अनएक्सप्लेन्ड इनकम एंड व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनकम। तो आज की क्लास को यही रोक रहे हैं, the next class will be the 11th class of a PGVP and hopefully that will be the last class of a PGVP. तो आज यही रोक देते हैं, जल्द ही आपसे मिलता हूं next class में remaining concept and provisions के साथ। तब तक आप अपनी classes complete कर लीजिएगा, homework complete कर लीजिएगा, और जो आपको कहीं भी doubts हैं, confusions हैं, वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, और जल्द ही मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।